माय डियर ऑफिसर्स, मुंबई शहर में एक साल में हुए क्राइम्स की चर्चा करने और उन क्राइम्स को रोकने के लिए हम जमा हुए हैं। आज ये इमरजेंसी मीटिंग खास तौर से उसी के लिए बुलवाई गई है। आइए देखें कौन से इलाके में कितने क्राइम्स हुए हैं। पाटिल, गिरगांव पुलिस स्टेशन 26 चोरियां, 4 डकैतियां, 3 मर्डर, 2 रेप हुए। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन 14 चोरियां, 2 डकैतियां, 2 मर्डर, 2 रेप हुए। ओशिवरा पुलिस स्टेशन 0 चोरी, 0 डकैती, 0 मर्डर और 0 रेप हुए। ग्रेट। आज हर मिनट में खून, हर घंटे में चोरी और हर 2 घंटे में मारपीट हो रही है, पर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अगर 0 क्राइम दर्ज हो रहा है तो मुझे लगता है उस एरिया के सीआई दिन रात काम करते होंगे। कौन है वहाँ के सीआई? गोटे साहब, कमिश्नर साहब आपकी ही बात कर रहे हैं। यस सर। वेरी गुड। अगर आप जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर हो तो मुंबई में कभी क्राइम ना हो, टीवी चैनल वाले ब्रेकिंग न्यूज ढूंढते रह जाए। यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस, यू आर राम। सर सर सर, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। क्यों, तुम्हें तारीफ पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन मैं इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। वो क्यों? वैसे सारे क्राइम मैं ही रोकता हूँ, पर ये 0 क्राइम के पीछे एक और शेरदिल जांबाज है। कौन है वो? मेरा इन्फॉर्मर सर। इन्फॉर्मर? हाँ, ऐसा इन्फॉर्मर जो अपने जूतों के नीचे पूरी दुनिया की खबर रखता है। माचिस की जलती तीली बुझने से पहले खबर हम तक पहुँचा देता है। एक ऐसा तूफान जिसकी हवा का रुख कहीं भी हो जाए, उसकी देशभक्ति की प्यास कभी नहीं बुझती। अब भी फिश फ्राई छोड़कर वो मेरा ही काम कर रहा होगा। करीम भाई, मछली ताजी लग रही है, कैसे पकड़ा माल? जाल फेंका पकड़ लिया। जाल फेंका? हाथ से नहीं पकड़ सकते थे? पागल हो गए हो क्या, हाथ से कोई मछली पकड़ता है? ओ, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, हाँ बोल मेरी रानी, बच्चों को जल्दी सुला दे, मैं भी आ जाऊंगा। आई लव यू। इंग्लिश झाड़ रहा है। डुअल सिम फोन है, नोकिया है? डोकिया। डोकिया? हाँ, चाइना का है, मैंने ये पकिया भाई से खरीदा है। आजकल उसका स्मगलिंग का काम अच्छा चल रहा है, चाइना का माल डॉक पे आता है और वो उसे सस्ते में बेचता है। अबे शाने, पकिया बोल देला हूँ, डोकिया फोन के साथ काली बेरी भी आई ली है, समझा क्या? अब उनको 4 खोका मांगता है। क्या बात है, ओह ब्लैकबेरी है, बहुत महंगा होगा, एक धासु चाइना फोन देना, 3 सिम वाला जिसका बिल भी कम आए। ऐसा फोन भी आया है? चाइना फोन में आया है, फ्रेंड के पास है, मेरे तेरे पास भी होगा ना? मेरा नया स्टॉक 30 मिनट में डॉक पे उतरने वाला है, उसमें रहेगा तो ले ले। थैंक्स दोस्त, वड़ा खा के आता हूँ। हेलो गोटे साहब, मैं वर्सोवा फिशिंग डॉक से बोल रहा हूँ, चाइना का इलीगल माल उतर रहा है, आकर छापा मारिए। मैं अभी पहुँचता हूँ। हाँ। पकिया भाई, मैं आपका छोटा भाई। काय का छोटा भाई? भाई भाई बोल के सर पे बैठ गया, मेरे डॉक पे आके मेरे बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। ए, हड्डियां तोड़ दो। रुको, रुको। सुन, मेरी हड्डियां तोड़ेगा, मुझे अस्पताल भेजेगा, घर वालों का बिल बढ़ाएगा, तेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। वैसे मेरे पंच में भी बहुत दम है, एक ठोकूंगा 10 गिरेंगे। आ जा। इतनी गर्मी है, आजमा ले। अब तो तू गया। कितना डफर है, मैंने मजाक किया और तेरे भेजे में नहीं घुसा? कैसे घुसेगा, मेरे भेजे का गेट बंद है, चाइना फोन की तरह उसकी भी गारंटी नहीं है। ए, देख क्या रहे हो, टपका डालो भाइयों, टपका डालो। डरपोक साले। सुनो,
हिंदी चीनी भाई भाई, तुम्हारा बॉस बहुत माल कमा रहा है, पर क्या वो तुम्हें पैसे देता है? फिर भी मरने को तैयार हो? लेकिन मुझे देखो, मैं अपनी टीम को रोज बियर और चिकन खिलाता हूँ, पर आज वो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। पक्या भाई की टीम जीत गई। अबे फाइटिंग कर, कमेंट्री नहीं। मुझे लगता है तुमने फाइट करने की ठान ली है, तो पहले जॉगिंग करके वार्म अप करता हूँ। रेडी स्टेडी गो। ए अरे ए रुक, ये किधर जा रहा है? रुक रुक। दीदी, रक्षाबंधन पे आना। किसी ने देखा तो नहीं? ए मेरी सुरमई मछली। ए चिकने, घूरता क्या है तू? अक्षय कुमार है क्या बे? क्या बोला? एक्शन किंग अक्षय कुमार। ए ए क्या बोला? भाई अक्षय कुमार बोला। क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षय कुमार मेरा फेवरेट स्टार है, समझ गया? रेडी। जब किसी को मारता हूं तो अस्पताल नहीं पहुंचता, बीच रास्ते में ही टपक जाता है इनकी तरह। तूने मुझसे पंगा लिया, सब कुछ गवा दिया। तेरा धंधा चौपट मैंने किया, तेरे आदमियों को सुला दिया, फिर भी तू मेरे सामने खड़ा है, तेरा जवाब नहीं। देखने में शरीफ हो, मेरी हड्डियां मत तोड़ना। नहीं तोड़ूंगा। तूने मुझे अक्षय कुमार कहा ना, ये सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हुआ। जानता है, आज तक मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने नहीं दिया। पर लल्लू, यही बात डॉग पर कहने के बजाय गर्ल्स कॉलेज में किसी लड़की से कही होती तो मेरा स्टैंडर्ड हाई होता। खिलाड़ी? सचमुच मैं खिलाड़ी लगता हूँ? तेरे को कोई डाउट है क्या? थैंक यू। जा, तू आजाद है। ये लोकेशन, चाइना के माल की इन्फॉर्मेशन देने के बदले में इंडियन करेंसी में इनाम। थैंक यू सर। और ये कवर भी तुम्हारे लिए। इसमें क्या है, चेक? नहीं, तुम्हारा लक। लक है? लोगों को पढ़ाई लिखाई और जैक लगाने के बाद भी पुलिस की जॉब नहीं मिलती, मैं तुम्हें खबरीगिरी के बदले में दे रहा हूँ। पुलिस का जॉब? हमारे कमिश्नर साहब को तुम्हारा काम पसंद आया, पर्दे के पीछे बहुत काम कर लिया तुमने, अब पुलिस बनकर नाम भी कमाओ। ये है अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा? हाँ। नहीं चाहिए। अरे अरे अरे, ये क्या, अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया? तो क्या करूँ, खुशी में बंदर की तरह फुदक फुदक कर उछलूं? पुलिस डिपार्टमेंट सांप के बिल की तरह है, लोग बाहर से ही दूध पिलाकर सांप को खुश करते हैं, बिल में कोई नहीं घुसता। इस डिपार्टमेंट को सिर्फ बुरा भला मत कहो, पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। घंटा एडवांटेजेस? कैसे एडवांटेजेस? मेरी पोस्टिंग अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होगी तो धूप बारिश में स्टैचू की तरह मुझे खड़ा होना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर जाएगा, पति पत्नी को शॉपिंग पर लेकर जाएगा, मैं बस खड़ा होकर सिर्फ सिग्नल देता रहूंगा, भाभी सिग्नल देगी फिर भी क्या करूंगा? अगर नक्सली एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई तो क्रॉस फायरिंग में टपकने का डर रहेगा, अगर मॉल के बाहर मेरी ड्यूटी लग गई तो धमाके में कब उड़ जाऊं पता नहीं, अगर मेरी क्रिकेट स्टेडियम में ड्यूटी लगी तो पब्लिक तो मैच देखेगी, मैं घूम घूम कर उनकी शक्लें देखूंगा, बैट्समैन ने सिक्स मारा तो हो सकता है बॉल टकले पे लगे, अगर डक पर आउट हुआ तो पब्लिक बॉटल मुझ पर फोड़ेगी, रात को चोर चोरी करेगा, जागना मुझे पड़ेगा, छुट्टी मांगूंगा होली पे, मिलेगी दिवाली पे। मैं पाव भाजी खाने का शौकीन इंसान हूँ, लेकिन लोग मुझे रिश्वत खिलाएंगे, छी, आखिर ये भी कोई जॉब है? एक ईमानदार होने के बावजूद घूसखोरी का टैग लगेगा, इसीलिए मैं ये जॉब ठुकरा रहा हूँ, समझ गए? आहा, पुलिस का इतिहास तुमने इतनी अच्छी तरह समझाया है, कैसे ना समझूं? हमारे डिपार्टमेंट में इतनी परेशानियां हैं, ये मुझे आज समझ में आया है। तुम्हारी संतवाणी सुनकर मेरा तो मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त रिजाइन कर दूं, पर इससे ज्यादा कमाई और कहां होगी, इसीलिए मैं पुलिस वाला ही ठीक हूं और तुम इन्फॉर्मर ही, अब तुम जाओ ताजा खबरें ले आओ। थैंक यू साहब, चल रहे। मेरा ब्रांड दे। हेलो मास्टर। मैं मास्टर? मैंने तुझे स्कूल में पढ़ाया? नहीं बॉस। बॉस मतलब मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में तू चपरासी का काम करता है क्या? अरे नहीं भाई, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है जो तू भाई कह रहा है? देखो मैं पहले से कंफ्यूज हूँ, और कंफ्यूज मत करो प्लीज। क्या है कंफ्यूजन? सेलिब्रिटीज की बातें भेजे में घुसती नहीं। क्या कहा उन्होंने तुमसे? बताता हूँ। वो कौन है? अमिताभ बच्चन। कॉन्फिडेंट लॉक कर लेता हूँ। उन्होंने कल्याण ज्वेलर से सोना रेड टैग देख कर खरीदने को बोला, मैंने खरीदा। अच्छा किया। क्या अच्छा किया? क्या अच्छा किया? अच्छा वो कौन है? अक्षय कुमार।
अक्षय कुमार बोलता है सोना मनप्पुरम गोल्ड में गिरवी रखो, तो मैंने अपना गिरवी रख दिया, बोले तो अपना सोना। अगर बिग बी की बात सुनूं तो अक्षय को लगेगा कि मैं उसका सुनता नहीं, और तो और दोनों सुपरस्टार्स हैं, ईगो बीच में आएगा ना? आएगा। करेक्ट। एक कहता है कि सोना खरीदो और दूसरा बोलता है कि गिरवी रखो। इस कंफ्यूजन में दिमाग निकल गया। तो फिर इसकी बात सुनना। अरे इसकी मतलब किसकी? इसकी। ठंडा ठंडा कूल कूल, क्या आइडिया है, एक पैकेट दे रहे। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे जल्दी देना, ठंडा ठंडा कूल। चिकने, उस लड़की ने तुझे मरने से बचा लिया, वरना आज मैं तेरा गेम बजा डालता। करेक्ट बोला, मेरी जिंदगी उसने बचाई, आज से मेरी जिंदगी उसकी हुई। परफेक्टो, जेनिलिया, इलियाना, ऐश्वर्या, इनका मिक्सचर करो तो स्नेहा उलाल। गोटे साहब, कौन है यहाँ, क्या कर रहे हैं? जिम में ड्यूटी है क्या? ड्यूटी पर तो जीप में आता, यहाँ मैं जॉगिंग करके आया हूँ। जिम में आया हूँ बॉडी जमाने के लिए। अरे बॉडी में ग्लूकोज नहीं, जॉइंट्स में ग्रीस नहीं है। बूढ़ा घोड़ा रेस पर नहीं जाया करता, क्यों अपनी कब्र खोद रहे हैं? डंबल्स उठाने के लिए एज की जरूरत नहीं होती बच्चे। तो फिर करेज की होती है, सो प्लीज एनकरेज। वैसे तू कब ज्वाइन कर रहा है? मार्केट में अपनी डिमांड ऐसे बहुत है, तुम ही करो। वो सब छोड़, पहले इंस्ट्रक्टर को एक बार देख तो ले। ए मिस्टर, क्या चाहिए? वो लड़की। What? वाह, क्या फिगर है। सॉरी खाला जान, इंस्ट्रक्टर से मिलना है। वो मैं ही हूँ, बोलो। मैडम, मैंने भी नया नया ज्वाइन किया है, ये फैमिली पैक सिक्स पैक लगना चाहिए। मुझे सुनील शेट्टी जैसी बॉडी, अक्षय कुमार जैसी फिटनेस और सनी देओल जैसे डोले चाहिए। फिर पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं क्वीन फिशर कैलेंडर के लिए मॉडलिंग करूंगा। तो तुम्हें सेक्स चेंज करवाना पड़ेगा। फॉर्म भरना है, अपनी डिटेल्स दो। मेरा चेला मेरे बारे में आपको बता देगा। नाम बोलो। पता नहीं। पता नहीं, सिली बॉय। मेरा नाम है आत्माराम गोटे। एज क्या है? 18-19 से ऊपर नहीं हो सकती। इतना यंग नहीं लग रहा मैं। वैसे मैं अपनी उम्र नहीं छुपाऊंगा, जस्ट 40+। बॉडी का नाम? चेस्ट 46, बैक 46 एंड फ्रंट 46। ठीक है, कब से ज्वाइन करना है? अभी से ज्वाइन हो जाता हूँ। ज्वाइन करने की इतनी जल्दी? तुम तो कह रहे थे ऐसे ही मार्केट में तुम्हारी बहुत डिमांड है। उसका फिगर देखकर मेरा भी दिल करता है मैं अपनी बॉडी बनाऊं। मैं कुछ समझा नहीं। आप नौकरी टिकाने जिम आए, मैं जिंदगी सवारने आया हूँ। ओ, तब तो बन चुके सिक्स पैक्स। इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया? प्यार मुहूर्त देखकर नहीं होता, और मच्छर सूरत देखकर नहीं काटते। हाई क्लास लड़की हाई क्लास लड़के से पटेगी, तेरे जैसे लो क्लास से नहीं पटने वाली। गारंटी पटेगी, क्योंकि हम जैसी क्वालिटीज हाई क्लास लड़कों में कहाँ होती है। लड़का लड़की घुमाने ले जाए तो कार निकालेगा, लड़की दूर बैठेगी लेकिन मैं उसे अपनी बाइक पे बिठाऊंगा, इतना सा भी गैप नहीं रहेगा। लड़की मुझे चिपक के बैठेगी, बाइक स्पीड में चलाऊंगा, जहाँ स्पीड ब्रेकर आए मैं ब्रेक दबाऊंगा, वो और कस के चिपकेगी। कार वाले को ये फैसिलिटी मिलेगी क्या? सवाल इच नहीं। और तो और, अगर लड़की फूल मांगे तो वो खरीद कर देगा, हम ताजा तोड़ कर देंगे। अगर लड़की को कोई छेड़े तो वो दुम दबाकर निकल लेगा, पर हम उसका कॉलर पकड़ कर धोएंगे। लड़की को ये सिक्योरिटी वो देगा? नहीं बबुआ। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, लड़कियों को 70s के हीरो पसंद आते हैं या मॉडर्न? वो माइथोलॉजी के ढीले ढाले हीरो पसंद करेगी या फिर रोमांटिक हीरो? जवाब दो। तेरी फिलॉसफी अच्छी है पर मुझे एक डाउट है। डाउट वाउट भूल जा, चाहे तो अमीर हो
चाहे तू गरीब हो, अगर प्यार सच्चा है तो वो पटनीच है। तेरा लव चैप्टर शुरू होने से पहले ये तो पता कर ले कि वो सिंगल है या डबल। तो पता कर लेते। कर ना। वाह, क्या गेटअप है। कलरफुल लव है ना, इसीलिए कलरफुल कपड़े। अरे वाह, उसे पटाने के लिए नई नई चीजें बाहर आ रही हैं। वहां देख, भाभी आ रही है। वाह क्या फिगर है, ऐश्वर्या राय की जुड़वा बहन लगती है। लेटर देने जा रहा है। हाँ। फर्स्ट टाइम उससे मिलने जा रहा है, कोई अच्छी सी चॉकलेट या उसके लिए सॉफ्ट टॉय लेकर जाता और तू खाली हाथ लव लेटर लेके जा रहा है। ठीक है जा, दे दे। मैं नहीं दूंगा। हा? तू देगा। तू क्या मुझे कुरियर बॉय समझता है? नहीं, लव लेटर बॉय। ये कैसा ट्विस्ट है? ये ट्विस्ट नहीं, टेस्ट है। वो कैसे? चांद पर सबसे पहले ट्रायल के लिए किसे भेजा गया था? कुत्ते को। और सक्सेस मिलने के बाद? इंसान को। उसी तरह उस चांद के पास मेरे जाने से पहले तुझे भेज रहा हूँ। मतलब मैं कुत्ता हूँ? नहीं नहीं, तू खुद जाके दे। पागल हो गए? मैं डायरेक्ट जाकर प्रपोज करूंगा और नो बोली तो मेरा दिल टूट जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर तू जाएगा तो प्यार के बारे में उसकी राय पता चल जाएगी। बात तो सही है पर एक डाउट है। वो क्या? अगर तेरी वाली को मुझसे प्यार हो गया तो उसे अपने आंगन में बंदर पालने का शौक नहीं होगा। चल जा। एक्सक्यूज मी। क्या है? प्लीज टेक दिस बेबी। लेटर पढ़ने का टाइम नहीं है, मैटर बताओ। आई लव यू। मुझ में क्या देख के प्यार हुआ? तुम्हारा चेहरा देख के। और तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे प्यार करूं? मेरा चेहरा भी अच्छा ही है ना। हेलो, अगर तुम्हें लगता है तुम हैंडसम हो तो रणबीर को क्या सोचना चाहिए, सलमान क्या सोचेगा? वो क्या सोचेंगे वो जाने दो। देखो दरअसल बात यह है कि सुनो, मेरा पीछा करने में अपना फालतू टाइम बर्बाद मत करो, जाकर कोई दूसरे ढूंढो। मतलब तुम उससे प्यार नहीं करती हो? मतलब तुम किसी और से प्यार करती हो? बिल्कुल नहीं। तो मुझसे प्यार कर लो। देखो अगर बहन बनाना है तो बोलो, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो। समझ में आया? ओए, मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझसे प्यार करेगी या नहीं? अगर नेक्स्ट टाइम मेरा पीछा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चप्पल से मारूंगी। थैंक्स दोस्त। क्यों, पिटवाने के लिए? वो खुद भी तो मार सकती थी यार, फिर उसने अपने फ्रेंड से क्यों मरवाया, हद हो गई। सुन दोस्त, मुझे पटने के बाद तू उसे चाटा मार लेना। तू पक्का दोस्त है? वैसे तेरी लाइन क्लियर है, उसका किसी से कोई चक्कर नहीं है, मेरे से भी नहीं। तो मुझे अभी मिलना चाहिए। अच्छा, उस लड़की से? नहीं, गोटे साहब को। मैं लड़की को अरेस्ट करूं? अगर मुझे उसके साथ फेरे लेने हैं तो उसे ये आठवां अजूबा दिखाना पड़ेगा। एक समझदार लड़की उस बेवकूफ लड़के को कभी नहीं चाहेगी जो उसे अरेस्ट करवा कर जेल में डलवाए। मैं उसे अरेस्ट नहीं करवाऊंगा। ये क्या? एक्सक्यूज मी। यस। वहाँ क्या चल रहा है? एक नया लड़का आया है, उसे ही देखने भीड़ लगी है। वो कोई एलियन है जो इतनी भीड़ लगी हुई है? कांडी पहलवान है पर अपने से डबल वजन उठाता है, ऐसा चमत्कार रोज देखने नहीं मिलता, इसीलिए लोग उसे देख रहे हैं। ऐसा क्या? जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था वैसे ये वेट्स उठा रहा है। इसे ओलंपिक्स में भेजे तो गोल्ड मेडल पक्का। बहुत हल्का है, वजन बढ़ाने के लिए 10-20 किलो और डाल। सॉरी सर, जिम में इससे ज्यादा वेट्स नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा 200 किलो वेट्स ऑर्डर कर दो, पैसे मुझसे ले लो। ठीक है सर। ये क्या कर रही हो तुम? एक्सरसाइज कर रही हूँ। वो क्यों? वजन कम करने के लिए। वेफर्स खाओगी तो वजन कम नहीं होने वाला। या तो ये खाओ और ये बंद करो, या तो ये करो और ये बंद करो। कमर देखिए, कमरा हो गया। इस कमसिन कली की कमर देखो, पतली चिकनी नाजुक दूध में धुली हुई। ए, क्या कर रहा है? जिस तरह से लव का एग्जाम्पल ताजमहल से देते हैं, वैसे ही अच्छे फिगर का एग्जाम्पल मैं तुम्हारी कमर से दे रहा था। मैंने अच्छी नजर से देखा, आप बुरा मान गई। जी तो। हाय, मैं दीपिका चावला। मैं किशन, अभी बैचलर हूँ। मैं भी कुंवारी हूँ, अगर आप चाहें तो। तो क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो क्या है? आई लव यू। और उसके आगे? आगे क्या, बस आई लव यू। सॉरी, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। तो क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझसे क्यों नहीं कर सकते? मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ पर प्यार कभी नहीं, समझ गई तुम? सॉरी। आजकल प्यार कितना सस्ता हो गया है। यस, यू आर राइट। नो, ही इज रॉन्ग।
प्यार सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है। महंगा कैसे? जिस दिन कोई खूबसूरत लड़की हमारा प्यार एक्सेप्ट करती है तो सिनेमा, न्यू कार, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, रिचार्ज कार्ड, ये सब हमसे मांगती है। चाहे हमारा बर्थडे हो या उसका बर्थडे हो, गिफ्ट तो हमें ही देना पड़ता है खर्चा करके। और ऊपर से बोनस में मिलता है वैलेंटाइंस डे, लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, मंडे, सेकंड संडे, और भी ऐसे बहुत सारे फालतू डेज हैं। प्यार के लिए हम अपना घर बार लुटा देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें बदले में? प्यार में किसी ने टोपी पहनाई क्या? हाँ बॉस, मेरा प्यार कबूल करने से पहले मेरा बैंक बैलेंस एंड टॉप हिल था, अब तो नील हो गया है। एक मिनट मेरे भाई, तुम्हें याद कर रहा था। जानू आज एड्स डे है, क्या गिफ्ट दे रहे हो? एड्स डे पर भी गिफ्ट देना होता है जानू? हाँ। अभी अभी पता चला, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगा। अभी कहाँ हो जानू? जिम में हूँ जाने मन, तुमने तो कहा था ना सलमान जैसी बॉडी मुझे सूट करेगी, तो वही बनाने की। हेलो, तुम यहाँ एक्सरसाइज कर रही हो, मेरे प्यार के बारे में क्या सोचा? बोला ना, तुमसे प्यार नहीं कर सकती। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझसे प्यार करोगी कि नहीं? अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो SMS करूँ? तो फिर ठीक है, तुम्हारे बिना मुझे नहीं जीना, मैं उस सामने वाले टावर से कूद जाऊंगा। अगर कूदना ही है तो टेरेस से कूदो। अगर मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। I don't care. Okay, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं मर गया तो भूत बनकर तुम्हें जरूर डराऊंगा। गुड बाय, फॉरएवर एंड एवर। तुमने तो उसका दिल तोड़ दिया, कहीं सचमुच जान दे दी तो देने दो मुझे, उससे क्या। आजकल ये नया फैशन बन गया है, लड़की ना बोले तो अपनी जान दे दो, मरने में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हारी बात में दम है। सपना, घर पे पुलिस आई है। पुलिस आई है, लेकिन क्यों? इस फोटो वाले आदमी को आप जानती हैं? हाँ सर, पिछले 2 दिन से प्यार के नाम पर मेरा पीछा कर रहा था। तुमने इसके प्यार को घास नहीं डाली, इसलिए बिल्डिंग से कूद कर इसने जान दे दी। अब पुलिस डिपार्टमेंट को शक है कि इसकी मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। लेकिन सर, मेरी बात तो देखो, तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहो। फॉलो मी। आत्माराम कोटे। कौन है बे? आप खुद को समझते क्या है? आपने एक नारी का अपमान करके माँ गंगा, माँ सरस्वती, जमुना, गोदावरी, कावेरी, इनका अपमान किया है। ऐसी महिला जिसकी लोग कसमें खाते हैं, उसको जेल में लाए। मैंने कभी किसी औरत का अपमान नहीं किया, उल्टा अपनी बीवी से अपमान सहता आया हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। DVD या VCD? पिक्चर नहीं देखना, इंसाफ चाहिए मुझे। मुद्दे पर आओ, बिचारी को अरेस्ट क्यों किया? एक मासूम लड़के के कत्ल के इल्जाम में। किसी को गोली मारी या चाकू मारा? दोनों गलत। झूठ नहीं बोलूंगा, उसके प्यार को ठुकराया और उसने आत्महत्या कर ली। बारिश से फसल नष्ट हो जाए, किसान आत्महत्या करे तो वरुण देवता को सजा देंगे आप। परीक्षा में छात्र फेल होकर सुसाइड करे तो टीचर को अरेस्ट करेंगे। जवाब दीजिए कोटे साहब। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, मैं कानून बता रहा हूँ। लड़की को पकड़ने के लिए सेक्शन SCX 36, 24, 36, 455.4 के तहत लेडी कांस्टेबल को भेजना चाहिए था। जानता हूँ, एक्चुअली रंभा नाम की एक सुंदर कांस्टेबल थी, अफसोस वो सांबा हवलदार के साथ भाग गई। लेकिन तुमने ये सवाल कैसे पूछा? तुम कोई लॉयर हो क्या? नहीं, मैं लवर हूँ। किसका? मेम साहब का। तुम इस लड़की के लवर हो, इस बात का सबूत क्या है? प्यार किसी सबूत और गवाह का मोहताज नहीं होता कोटे। प्यार दीवार पर लगी ट्यूबलाइट है जो रोशनी तो देती है पर उसे पकड़ नहीं सकते। प्रूफ, कानून को प्रूफ चाहिए। प्रूफ दूंगा तो मानेगा? मानूंगा। प्रूफ कैसा लगा? ये क्या प्रूफ है, तुम तो ऐसे गले मिल रहे हो जैसे ईद में मिलते हैं। 25% यकीन हुआ है। ठीक है, अब तो यकीन हुआ। गालों पर किस करना तो आजकल आम बात हो गई है, वैसे 50% यकीन हो गया है। बस बस बहुत हो गया, खुलेआम चुम्मा चाटी करने के लिए ये गार्डन नहीं पुलिस स्टेशन है। मेरी मिस है इसलिए किसकी, अब भी यकीन नहीं हो रहा तो जेल में डाल दो हम दोनों को। जेल में डाल दिया तो शायद बच्चे भी हो जाएं। मुझे यकीन हो गया, वो लड़का अपनी मौत मरा, इस लड़की का केस से कोई वास्ता नहीं। तुम इस लड़की को लेकर जा सकते हो। थैंक यू सर। आओ जानू, आओ चलो। सॉरी, वो इंस्पेक्टर मान नहीं रहा था इसलिए मैंने वो सारी हरकतें की। तुम्हें किस भी करनी पड़ी, किस की इसलिए तुम्हें केस से बाहर निकाल सका, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा?
साले तूने जीते जी मुझे मुर्दा बना दिया। थू, तेरा बस चले तो मुझे केरोसिन डाल के जला भी दे, मुझे नहीं लगता तेरा ये ड्रामा काम करेगा। क्यों, तुझे क्या लगता है कि गले लगने से और किस करने से लड़की पट जाएगी? अरे बिल्कुल पटेगी, तू टेंशन मत ले, मेरे प्यार में बहुत पावर है। पावर तो फुल है मगर जेब तो खाली है यार। 200 देना। 200 चाहिए काय को? तेरी कामयाबी की खुशी में बियर पीनी है। 10 रुपए दे सकता हूँ, कटिंग पी लेना। देख कौन है। पैसा नहीं देगा, काम सारे कराएगा। सपना ही है। सपना, तुझे जिंदा देख लिया तो कचुंबर बना देगी अपना। कहीं कहीं छुप जा, तू कहां जाएगा? हम वहां से निकल जा। अरे तू क्या सच में मुझे मरवाएगा? पागल हो गया क्या? अरे कहीं तो छुप जा। अरे चिल्ला। हाँ आइडिया। हाँ हिलना मत, ऐसे ही रहे। अबे क्या कर रहा है? हड्डी तोड़ेगा क्या? आप यहाँ, मेरे भाग खुल गए। क्यों, नहीं आना चाहिए था? गलत समझ रही हो, मेरा एड्रेस कहाँ से मिला तुम्हें? जिम गई थी, वहीं से मिल गया। ओ, आओ ना, बैठो ना। वहाँ नहीं। हाँ? मैं टेबल देता हूँ ना। नहीं नहीं चलेगा, नया टेबल ट्राई करो। क्वार्टर लोगी? हाँ? मेरा मतलब वाटर लोगी? नो थैंक्स। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? एक्चुअली कुछ कहना था मुझसे, कहो ना। यहाँ कितनी गर्मी है। हॉट फील हो रहा है, मैं फैन ऑन करता हूँ। अब बोलो। पुलिस स्टेशन में तुमने मेरे साथ जो किया था वो? ओ, वो तो रात गई बात गई। नहीं बात तो गई, लेकिन उस रात मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। मेरे दिल में कुछ होने लगा है। ऐसा क्या? नींद के कैप्सूल दूध के साथ पियो। मेरी नींद उड़ने की वजह कुछ और है। वो क्या है? एक्चुअली तुम? हाँ। तुम मरे नहीं? मैं मर चुका हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा? ये क्या, इस घर में परमात्मा है, आत्मा कहाँ है? कुछ भी मत बोलो, ये मोटी आत्मा तुम्हें दिख नहीं रही? कहाँ, मुझे नहीं दिख रही। ध्यान से देखो, जिसने मेरे लिए आत्महत्या की थी उसी किशोर की आत्मा देखो। किशोर की आत्मा कहाँ? सपना, तुम सपना देख रही हो। ये क्या है, ये देखो वो डांस कर रहा है। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। उसने फ्रिज खोला। फ्रिज? एप्पल निकाला। एप्पल कहाँ, कहाँ है वो? देखो एप्पल खा रहा है। आत्मा एप्पल कैसे खा सकती है? अरे यार मैं सच बोल रही हूँ, तुम देखो। तुम खामखा डर रही हो। अभी बताता। हाथ क्यों पकड़ा? कौन कौन है भाई, सामने आओ। ये क्या? साले अब मैं तुझे दिखूंगा। अरे वो देखो तुम्हारी पर्स से पैसे निकाल रहा है। निकालने दो मेरे पैसे। तुम भी ना, आत्मा को पैसे का क्या काम? और अगर उसने 200 से ज्यादा निकाले तो मरेगा। वापस रख वरना जमीन में गाड़ूंगा। तुम भी ना क्या क्या देख लेती हो, यहाँ देखने लायक बहुत सी चीजें। अपनी आंखें बंद करो और भगवान को याद कर लो, आत्मा रफू चक्कर हो जाएगी। कम ऑन क्लोज योर आईज। गायब होगी ना, भरोसा रखो, आंखें बंद करो। परेशानी दूर करो इस आत्मा को। सपना कोई नहीं है, खुद देख लो। वो आत्मा सचमुच भाग गई? हाँ, मेरे 200 रुपए लेकर। बोला था ना गायब हो जाएगी। अब बोल दो, तुम यहाँ मुझसे कुछ बोलने आई थी? अभी नहीं, शाम को बीच पर मिलते हैं, वहीं बोलूंगी। बाय। हाँ। बाय। हाय सपना। हाय। तुम कुछ कहने वाली थी? हाँ वो मैं आई लव यू। आई एम सॉरी सपना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। कौन सा धोखा किशन? किशोर का तुम्हें लव लेटर देना, तुम्हारे लिए सुसाइड करना, इंस्पेक्टर का तुम्हें अरेस्ट करना, ये सब मेरा रचाया हुआ ड्रामा था। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया, तुम्हारे बिना जीने की सोच नहीं सकता था। प्यार विश्वास है, भरोसे का दूसरा नाम है, यही आज तक सुना था, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। तुम हाँ कहो या ना, पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। मुझे माफ कर देना, आई लव यू। रुको किशन, जब मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तब मुझे ये सब नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता। तुमने सच बताया, आई लाइक यू इवन मोर नाउ। हमारे प्यार की बुनियाद सच्चाई पर टिकी हुई है,
मैंने जिस तरह का लड़का चाहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। आई लव यू किशन। भाई सेठ आ गया। आता नहीं तो ऊपर पहुंच जाता। हे सेठ, तुझे पैसा हमें देना है उसे नहीं। बैग ला। बैग चाहिए तो मार्केट से खरीद ले, मेरे एरिया में क्यों आया? अगर जेपी भाई को पता चला तो अंजाम जानता है ना। क्या होगा बे, करू पांडे को पता चला तो तू और तेरा बॉस दोनों खलास। हे सेठ इधर आ। हे, वहाँ क्यों जा रहा है? इधर आ नहीं तो ऊपर जाएगा। आ। माल हमने मंगाया और लेकर तू जाएगा, देख क्या रहे हो, टपका डालो। भाई सेठ तो मौके पे चौका मार दिया। तेरी वजह से आज माल हाथ से निकल गया, मैं जेपी भाई को बताऊंगा। अबे तेरा बॉस क्या उखाड़ेगा और तू क्या उखाड़ेगा? मैं क्या उखाड़ लूंगा बताता हूँ तुझे। मोली, बाबूराव मोली स्पीकिंग। कौन है? सर आपके लिए फोन है। हाँ शेल्टर, इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। मेरी तरफ से 50 करोड़ की बेटिंग है, दैट्स फाइनल। ए मोली। हाँ बॉस। मैंने तुझे इंडिया से केपी और जेपी को बुलाने के लिए कहा था, वो लोग आ गए क्या? हाँ आ गए, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हेलो। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो जेपी? देखकर ही पता चल रहा है खा पीकर फैसे की तरह हो गए। जेपी बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, गैर कानूनी काम जोरों से चल रहा है। आ, आ। जब आपका सपोर्ट हो तो हमें छूने की हिम्मत कौन करेगा? अब, 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 मैंने क्या किया? मैं तुम लोगों को टपकाऊंगा ये सोचकर फट गई थी क्या? सिर्फ फटी नहीं बॉस, मेरी तो पैंट भी गीली हो गई। कल मैंने जिस घोड़े पर दांव लगाया वो रेस हार गया, क्योंकि ये उसका चौकी था। मेरा फंटर होकर इसने दूसरे से पैसा लिया और मुझे हरा दिया। रवि टेक हिम अवे, मुझे रेस में बाजी हारना कतई पसंद नहीं और बिजनेस में लॉस तो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों की वजह से मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। हमारी वजह से? हाँ तुम दोनों की वजह से, बॉस ने तुम्हें नासिक दिया और तुम्हें पुना, पर ऐसा करके फायदा क्या हुआ है? तुम दोनों तो बस एक दूसरे के एरिया में घुसते रहते हो और ऐसे लड़ते हो जैसे रूलिंग पार्टी असेंबली में अपोजिशन से लड़ती है। वो ऐसा है कि करू पांडे के आदमी पहले मेरे इलाके में घुसे। तू चुप रहे, इसके आदमी पहले मेरे एरिया में घुसे बॉस। क्या रे तू झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तू पहले से झूठा है। बाहर निकल। बॉस ऊपर कौन रहता है? सुनो चंगू मंगू, एक शब्द और निकाला तो इस बार गोली ऊपर नहीं तुम्हारे भेजे में होगी। इंडिया में मेरे धंधे को संभालने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। मैंने तुम लोगों को चुना क्योंकि इंडिया में तुम लोगों का खौफ अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर देता है, पर मेरे खौफ से तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। अब अगर तुम लोगों को मेरे धंधे को संभालना है तो मेरा कहा मानना होगा। क्या ख्याल है? मानेंगे मानेंगे बॉस, इन्हें मरना नहीं है। हमें अपनी जान प्यारी है भाई। एक करू, तेरे को एक बेटी है ना? है ना, बिल्कुल ऐश्वर्या राय पे गई है। और ज्वाला तुम्हें शायद एक बेटा है राइट? हाँ बॉस, ऋतिक की तरह लंबा है, शाहिद की तरह हैंडसम है, अजय की तरह चलता और हंसता है वो। बाप तुम ही हो ना? शट अप, मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों की शादी करा दो। तुम दोनों जो हमेशा से विरोधी थे अब समधी बन जाओगे। वाह भाई हाँ? क्या तोड़ निकाला है। बॉस मैरिज ब्यूरो भी खोल लीजिए। कितना सोच रहे हो तुम लोग, बोलो समधि बनते हो या नहीं? भाई हम समधि बन जाएंगे। वेरी गुड, तो फिर देर मत करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हे कश्मीर। हाँ बॉस। शादी का बंदोबस्त करने के लिए तू भी इंडिया निकल जा। मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। चलो अब दुश्मनी छोड़ो और गले लग जाओ।
आजा भाई। अब क्या करें? कोई चारा भी तो नहीं है। महाराष्ट्र में काफी घोटाले हो रहे हैं, जमीन हड़पना या हथियारों की सप्लाई, और बहुत से गैर कानूनी धंधे भी हो रहे हैं। मुझे तो लगता है इसमें ज्वाला पांडे और करु पांडे का हाथ है। पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो हमारे इन्फॉर्मर्स क्या कर रहे हैं? वो हमारे इन्फॉर्मर्स को इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही खरीद लेते हैं सर। मुझे पता है अब क्या करना है। हमें एक ऐसा आदमी तलाशना होगा जिसके लिए ये शहर नया हो, जो जबरदस्त इन्फॉर्मर हो और शातिर भी। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी परवाह है कि नहीं आपको? आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं। पुलिस वालों का यही काम है। ओके, अब जरा अपनी चीनी धर लाओ। उस तरफ नहीं, इस तरफ। प्लीज, तुमने मेरे इतने काम किए हैं, इसके लिए मना मत करो। अगर तुम जाओगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। प्लीज जाओ। मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं। जब तुम जैसा एक इंस्पेक्टर मुझ जैसे लड़के के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो देश का क्या होगा? ये शहर मेरी जान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक झंडा नहीं गाड़ूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोच लो, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यही है आखिरी फैसला। बाय। हाँ बाय। गया मेरा प्रमोशन। हाय, ये चेहरे का मेकअप क्यों उतर गया? मेरे घर से फोन आया था। फोन आया था? लैंडलाइन से या फिर मोबाइल से? मजाक मत करो, मेरे डैड मुझे नासिक वापस बुला रहे हैं। क्या बोल रही हो? हमारे प्यार को अभी जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए, और तुमने ही तो कहा था हम एक रात कॉफी पीने के बाद साथ बिताएंगे। रात नहीं कहा था, शाम कहा था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम कहती हो तो अपनी पेंडिंग डेट नासिक में पूरी करेंगे। मतलब तुम भी नासिक आ रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जाते में किसी और के पीछे पड़ूंगा? मेरा दिल कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं कि यहाँ वहाँ ब्रांच खोल दूँ। इस दिल में तुम ही रहोगी। पर तुम वहाँ क्या करोगे? बेरोजगार क्या करते हैं? क्या करते हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? पर मार्केट तो गिरा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ उठा लूंगा। चलो। तुमने तो बाय कहा था, फिर वापस क्यों आए? हाय कहने। ओ, तुम्हारा ये हाय हेलो अपने पास रखो, मैं तुमसे कट्टी हूँ। कट्टी नहीं कोटे अंकल। मैंने आपकी बात पर पूरे 2 मिनट सोचा। पर्स खो जाए तो नया आ जाता है, पर खोई इज्जत कभी वापस नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी इज्जत लूटे, इसीलिए नासिक जाना मेरा फाइनल है। सच्ची किशन मुच्ची गोटे साहेब। गुरु क्या निशाना है? पहले तो बंदूक पकड़ना नहीं आता था, अब बिना पकड़े चैन नहीं मिलता। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो अभिनव बिंद्रा भी आपसे ट्रेनिंग लेने आएगा। वो कौन है? कौन है वो? हमारे देश के सबसे बड़े निशानची है वो। ओहो, ऐसा? आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी शादी करवाने वाले हैं डैड? आखिर मैं एक अजनबी से शादी कैसे कर सकती हूँ? लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है बेटी, मुझे हाई कमांड से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हारी शादी ज्वाला पांडे के बेटे अजय से कराऊं। मैं मना कर दूं तो यहाँ शहनाई के बदले मातम का म्यूजिक बजेगा। वो इसे मार डालेगा। इसे नहीं, मुझे मार डालेगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का मुझे कोई हक नहीं है डैड। बेटी तू हाँ करेगी तो शादी धूमधाम से होगी, तू ना करेगी तो जबरदस्ती होगी, पर तेरी शादी उसी से होगी। ठीक है, पर मैं एक शर्त पर शादी करूंगा। वो भी बता दे। सबसे पहले उसे मिलूंगा, टेस्ट ड्राइव लूंगा और जमा तो फिर बुकिंग करूंगा। ऐसी बात। हाँ। है अभी करू पांडे को फोन करता हूँ, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब का पता लगा लेना। ठीक है ठीक है। ड्राइवर जल्दी करो। बॉस ऑटो जरा साइड में लेना, एम्बुलेंस को जाने दो। आगे कार है सर। क्या है सर? एम्बुलेंस को जाना है प्लीज। एम्बुलेंस को? मैं अंबानी को रास्ता ना दूं। अंदर पेशेंट है सर। प्रेसिडेंट भी हो, मुझे उससे क्या? जिंदगी कीमती है सर। हाँ है तो? जरा सोचिए सर, आपकी हड्डी टूटी होती, अंदर एम्बुलेंस में आप होते दर्द से बेहाल, तो क्या होता? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मेरी हड्डियाँ टूटे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझसे बदला लेकर रहूंगा। थैंक यू किशन। ये ज्वाला पांडे, करु पांडे और नंदा की फाइल है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स मौजूद है। सपना करु पांडे की बेटी है? तुम उसे जानते हो क्या? बहुत अच्छी तरह से, आई लव हर। तब तो काम और भी आसान हो गया। देखो किशन सर, मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। उनके इल्लीगल धंधों के बारे में पता चलता ही मुझे फौरन इत्तला करना। डोंट वरी सर, ज्वाला पांडे के और करु पांडे के सारे गैर कानूनी धंधे में आपके सामने खोल कर रख दूंगा। वेरी गुड। इस ऑपरेशन में कोऑपरेट करने के लिए मैंने एक डायनामिक ऑफिसर को तुम्हारी हेल्प के लिए चुना है। कौन है वो सर? वो है मिस्टर ऑलराउंडर लिलिपुट, इन शॉर्ट अली। गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू। हाय, मैं भेष बदल बदल के आपकी मदद करूंगा। जैसी बातें करते हो वैसी एक्टिंग भी कर लेते हो ना। हे मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग? हम कलाकारी पैदा हुए हैं,
एक्टिंग मेरी जान, एक्टिंग मेरी शान, एक्टिंग ही अभिमान। बच्चा पैदा होता ही माँ माँ बोलना सीखता है। मैंने सीखा सिनेमा सिनेमा एक्टिंग एक्टिंग। कोई भी कैरेक्टर दीजिए, हार्ड के रख दूंगा, बिलीव मी। 15 SMS करके बुला तो लिया, पर 15 मिनट से कुछ बोल नहीं रही हो। कैसे बताऊं, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है। बोलो देव क्या? उसे बता दो, वो मुझे बता देगा। मजाक मत करो किशन, मेरी शादी फिक्स हो गई है। वही रूटीन, बाबा आदम के जमाने से यही चलता आ रहा है। मैं हीरो बनकर आऊंगा और तुम्हें भगा कर लेकर जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। ये बताओ तुम्हारी शादी फिक्स किससे हुई है? ज्वाला पांडे के बेटे के साथ। क्या, जेपी के बेटे के साथ? तुम ज्वाला पांडे के बेटे से मिली हो? मैं तो क्या, डैड भी नहीं मिले। डैड भी नहीं मिले? नहीं, इसीलिए तो उसे कल घर पे बुलाया है ताकि हम एक दूसरे से मिल लें। अच्छा, डैड कह रहे थे वो घर पर रहकर मेरे चाल चलन देखेगा। तुम टेंशन मत लो, मंगनी की अंगूठी और मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। कैसे? किशन उसकी कार आ रही है। हाँ, ओके, तैयार है ना? आ रहा है। ओके। जाने दे सेकंड गियर में। चलो। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, कॉल द पुलिस। क्या कर दिया? पक्के यार, नींबू की तरह इसने आदमी का जूस निकाल दिया। मैं न्यूज चैनल वालों को बुलाता हूँ। जल्दी कर। हेलो ईटीवी, बीटीवी, कल परसों न्यूज चैनल, एलटीवी, आईजेके चैनल, आ जाइए सर, यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उड़ा दिया रे। सर सर, मैंने इसे नहीं उड़ाया, इसने मुझे उड़ाया। ए, हाथ हटा, तुम जैसे लोगों का गाड़ी कम और फोन ज्यादा चलता है। अरे पीना है तो बार में जाके पी, ड्राइविंग करते वक्त कार में क्यों पी रहा है? इसे हाफ मर्डर के केस में अंदर करवाएंगे, जल्दी पुलिस को बुलाओ। रुकिए, इनकी कार के नीचे मैं आया हूँ, मेरी गलती है, इन्हें सजा मैं दूंगा। आप क्यों फ्री का शो देखने आ गए? तवा गरम है तो रोटियां सेकोगे? सारी गलती मेरी है, आज ही मुझे लर्निंग लाइसेंस मिला है और मैं डायरेक्ट रोड पर आ गया। अच्छा है सर ने उछल कर ब्रेक मारा, वरना मैं टायर के नीचे आ जाता। अच्छा आदमी लगता है, इसकी बातों से लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। बाय, कहीं लगी तो नहीं? रिश्तेदार मत बन, हम तुझे जाने नहीं देंगे। खामोश, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती, गाकर समझाता हूँ। सड़क पे बेसुरा गाना गा के तुमने हमें रुला ही दिया। सॉरी ब्रदर। चलो भाइयों, चलो। शुक्रिया भाई, समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो वो लोग मुझे मार डालते, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा भाई? मैं तेरी बाइक रिपेयर करा देता हूँ। जरूरत नहीं, इसका इंश्योरेंस है मेरे पास। मुझसे हॉस्पिटल का डबल खर्चा ले ले। दोस्त, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तू महान है भाई, तू तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहा है। मैं तेरा एहसान कैसे जुगा? वेलकम वेलकम सन इन लॉ, वेलकम। पापा कहाँ है? वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो का धंधा भी करते हैं? ये क्या अंकल, ड्राइवर अपने बाप के बारे में बताएगा, मेरे डैडी के बारे में नहीं। अजय मैं हूँ। ड्राइवर है तो फूल क्यों लिया? ये लो दामाद जी, आइए आइए। सपना सपना, क्या हुआ डैडी? ज्वाला पांडे अंकल का बेटा अजय है, तुमने पहचाना ही से? मेरी बेटी सपना। आप शक्कर से मीठे हैं, आपकी बेटी मिर्ची से ज्यादा तीखी क्यों है? बेटा इसने अपनी सारी जिंदगी हॉस्टल में गुजारी है, उसी का असर है। ओ अच्छा, इसलिए बिगड़ गई है। हाय हाय अंकल, मुझे चलना चाहिए। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों जा रहे हो? आपकी बेटी को मुझे देखकर खुश होना चाहिए था, पर इसने हेलो कितना रूडली कहा, अक्कड़ बहुत है इसमें। मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा पहली बार देख रही है ना, तो क्या मैं इसे दूसरी बार देख रहा हूँ? फाइनल बाय। ऐसे मत जाओ, एक मिनट रुको। देखो बेटी, अगर वो यहाँ से चला गया तो समझो मैं मर गया। तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, शादी तो इससे ही करनी पड़ेगी। प्यार से हाय बोल। आप इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? कुछ तो लो चाय, अब तो मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुको दामाद जी, मैंने सपना की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी ना, इसलिए दुखी है। इसे बिछड़ने का दुख होगा कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड से। बहुत अच्छा जोक मारते हो सपना, इसे अपना घर दिखाओ बेटी, मैं बाहर जाके आता हूँ, ठीक है? बी कंफर्टेबल। किशन, तुमने यहाँ पर आकर हमारे प्यार के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे आने का मकसद है देशद्रोहियों की इन्फॉर्मेशन हासिल करना, जिसकी इंटेलिजेंस को तलाश है। कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि उनमें से एक तुम्हारे डैड है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे घर में घुसने से मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, इसलिए मैं। मतलब तुम अपने काम से आए हो, मेरे लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए भी नहीं? और मुझे लग रहा था तुम डैड से मेरा हाथ मांगने आए हो, पर मैं गलत थी।
सपना मेरी मजबूरी को समझो। प्यार मैं तुमसे बहुत करता हूँ। आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपने पास ही रखो। सपना मेरी बात। हाँ ये लड़कियां लड़कों को हमेशा हुल क्यों देती है। ये किसका घर है? पापा घर में कोई है? सपना करू पांडे की बेटी। अजय ज्वाला पांडे का बेटा। मुझे पता है। वैसे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? एक दुबला पतला और हैंडसम सा लड़का आया था, शायद आपका फ्रेंड होगा, अपनी कार में आपको लाया था। आप बेहोश थे, वो आपको बेड पर लिटाकर चादर उड़ाकर चला गया। अच्छा वही होगा। बोलिए पापा। हाँ बेटा, केपी के घर पहुंच गए? मैं वही हूँ। उसकी बेटी से मिले? वो यही खड़ी है। कैसी है वो, पसंद आई? अभी तो आया हूँ पापा। मुझे उसे बहुत करीब से जानना है पापा। करीब से देख, दूर से देख, मुझे कुछ पता नहीं। तुझे शादी उसी से करनी है? हाँ कर लूंगा पापा। अंकल थे? हाँ। ये करू अंकल कहाँ है? बाहर गए हुए हैं, पर मैं तो हूँ ना। मुझे बुलाकर खुद चले गए। अजय आप मुझसे मिलने आए हैं या डैडी से? तुमसे। तो चलो ना। ये बात तो समझ में आती है कि तुमने दूसरा घर लिया और अजय को वहाँ भेज दिया, पर मेरी जगह वहाँ तुमने किसे भेजा है? अरे तुम्हारी जगह मुझे कोई मिला ही नहीं, इसीलिए कमिश्नर ने लेडी पुलिस को भेजा है। वो तो ठीक है, पर क्या? डैडी का गुनाह अगर साबित हो गया तो क्या उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी? छोटी या बड़ी सजा पता नहीं, पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर इनसे जो गुनाह करवा रहा है वो नंदा है, उस तक पहुंचना हमारा मकसद है। तुम टेंशन मत लो। अरे बाप रे। मुझे कह रहे हो टेंशन मत लो, तुम क्यों टेंशन में दिख रहे हो? वो आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? कश्मीरी अंकल, वो तो डैडी और जेपी अंकल के फ्रेंड है। अच्छा तुम कैसे पहचानते हो? उनकी ये हालत मैंने की है, एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे थे इसलिए धो डाला। उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब क्या करें? ओके, ओके। अरे कश्मीरी क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की? ये बाथरूम में पैर फिसल कर गिर गया मैं। अरे बाथरूम में गिरने पर इतना थोड़ी लगता है, बैठ जा। हाय अंकल। तुम अकेली, अजय को कहाँ छोड़ दिया? उसका कोई फोन आया, वो कहीं गया है। अच्छा जरा उठाओ तो। हेलो करू पांडे है? हाँ है। तुम कौन? मैं उसका बाप। तुम्हारे लिए। ओ मेरे लिए? पर किसका है? तुम्हारे बाप का है। मेरे बाप का? स्वर्ग से या नर्क से? हेलो अंकल, मैं अजय बोल रहा हूँ। अरे तुम अचानक कहाँ चले गए? सॉरी अंकल, मैं आपको बिना बताए यहाँ पर चलाया। हॉस्पिटल से मेरे फ्रेंड का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब थी, वो कमोड़ में गिर गया था। अब उसे पहले से आराम है, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो, परमिशन की क्या जरूरत? टेक योर ओन टाइम। चलेगा। अरे कश्मीरी सेब, फोन पर अजय था और तू बोल रहा था कि फोन पर मेरा बाप है? अरे उसने जो कहा वो मैंने बताया। वो बहुत ही डिसेंट लड़का है, वो झूठ बोलकर बात क्यों करेगा? हाँ वो ऐसा क्यों कहेगा? हो सकता है मैंने ही गलत सुना होगा। हाँ ऐसे हुआ होगा। अच्छा बता क्या पिएगा, ठंडा या गरम? ठंडा गरम क्या पूछ रहे हैं, अंकल की तबीयत खराब है, मैं इनके लिए ताज़ा जूस भिजवाती हूँ। कामेश्वरी। केपी ये मड़गांव जमीन मामला सेटल हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर्स जल्दी भेज दें। पेपर्स तैयार है, रुक अभी लेकर आता हूँ। ये क्या है? जूस है। मैं जूस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मटके के बारे में। अच्छा ये सातवां महीना है। सातवां महीना? पर तुम्हारी शादी कब हुई? क्या इसके लिए शादी की क्या जरूरत? अरे इसकी तो, इसे तो बिल्कुल डर नहीं है। केपी को इसके बारे में पता है? पता कैसे नहीं होगा, ये बातें छुपाई छुपती हैं। हाँ। असल में वही तो इसके डैडी है। क्या कहा, केपी इसके लिए जिम्मेदार है? अंकल
आप ही समझाइए ना उन्हें, बगैर सात फेरों के ये दे दिया मुझे, उनसे बोलिए ना शादी कर ले। मैं करू पांडे से बात करता हूँ, तुम आंसू मत बहाओ, जाओ जाकर आराम करो। थैंक यू। अरे कश्मीरी जूस पिया कि नहीं? जूस गया भाड़ में। मुझे तो लगा था तुम इलीगल बिजनेस करते हो, पर तुम तो मटके भी बनाते हो। अरे कश्मीरी कहना क्या चाहते हो? कुमारी कामेश्वरी तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। क्या कामेश्वरी मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने जूस पिया कि भांग चढ़ाई? कुछ नहीं पिया है। तो बेवड़े की तरह क्या बड़बड़ा रहा है? मैंने नशा नहीं किया है, तुम पर हवस का नशा छाया है। जवान बेटी घर पर है फिर भी नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। ए, नौकरानी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, ये तुझे किसने कहा? और कौन कहेगा, तुम्हारी नौकरानी कामेश्वरी ने कहा है, खुद पूछ लो। कामेश्वरी, कामेश्वरी। आ रही हूँ। क्या हुआ साहब? तुम्हारा मटका कहाँ गया? कैसा मटका? मैं कुछ समझी नहीं। तुम भूल गई? तुमने कहा था तुम्हारा सातवां महीना चल रहा है और कहा था इसका जिम्मेदार केपी है। मैंने कहा? कैसा दोस्त है आपका, कैसे गंदे इल्जाम लगा रहा है, अगर किसी ने सुन लिया तो मुझसे शादी कौन करेगा। ए कश्मीरी, ये क्या तू उटपटांग बातें कर रहा है? देखा आपने, अजय का फोन आया तो कहा आपके बाप का फोन है, अब बेचारी कामेश्वरी को बिन ब्याही माँ बना रहे हैं। क्या बात है अंकल, जब से आपके सर पे चोट लगी है तब से भुलक्कड़ बन गए हैं क्या? नहीं, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, सब याद रखता हूँ। तो फिर आपको वो चीज दिख रही है जो वास्तव में है ही नहीं, और वो नहीं दिख रहा जो सच में है ना डैडी? सही कहा बेटी, लगता है इसके दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए हैं। अब जब ये अजय को देखेंगे तो कहेंगे ये जेपी अंकल का बेटा है ही नहीं। हाँ अंकल। तू यहाँ कैसे आया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ अंकल? अंकल मत बोल मुझे, यहाँ क्यों आया बता। ए कश्मीरी लाला, ये क्या कर रहा है तू? अरे ज्वाला पांडे का बेटा यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये जेपी का बेटा नहीं है डैडी, लगता है ये सर पे चोट का असर है। सही कहा तुमने, पागल हो गया है ये। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए तुम इसे जेपी का बेटा कह रहे हो। तो ये कौन है? मेरे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिम्मेदार और कोई नहीं, ये है। कैसी बात कर रहे हैं कश्मीरी, अभी तो तूने कहा था कि तू बाथरूम में गिर गया। कौन ये बताना पसंद करेगा कि उसकी पिटाई हुई है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अंकल, आपसे ज्यादा मेरी इज्जत है, मैं जा रहा हूँ, बाय। दामाजी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो। ए, तू यहाँ से बाहर निकल। क्या तू मुझे निकालेगा? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है, फिर से यहाँ दिखाई दिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी भेज दूंगा। देखो तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें तो गलती का एहसास कराऊंगा ही, और देखना मैं इसकी टांग ना तोड़ दूं तो आधी मूछ निकाल दूंगा। अरे मूछ के बिना तो अच्छा नहीं दिखेगा, जा जा चल निकल यहाँ से चल। कमाल है, पहले तो छुप छुप के छोरियों के दर्शन करने पड़ते थे, पर अब जब चाहे जहाँ चाहे शराफत से दर्शन कर लो, दुनिया पॉकेट में आ गई। हेलो, क्या है लाला? तुम्हारा बेटा कहाँ है? और कहाँ, करू पांडे के घर में लड़की देखने गया है। ओ, तुम्हारा बेटा वहाँ नहीं है। तुम भी हद करते हो, मैंने उससे फोन पर बात की। अपनी आँखों से देखकर आ रहा हूँ, केपी के घर पर जो लड़का है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अरे यार, वो मेरा बेटा ही है, अगर नहीं होता तो केपी उसे घुसने देता? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक काम कर, अपने बेटे को फोन कर। हाँ पापा। कहाँ हो बेटा? सपना की गोद में। अच्छा, क्या कर रहे हो? वो मुझे अंगूर खिला रही है। हरे वाले या काले वाले? डिटेल में मत जाइए, चलिए फोन रखिए। ना तो वहाँ कोई अंगूर है और ना ही तुम्हारा बेटा है वहाँ पर। तुम कहते हो वो वहाँ नहीं है और वो कहता है वो वहीं है, किस पर यकीन करूँ? ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम खुद वहाँ केपी के घर पर जाओ और चेक करो कि वहाँ वो है या नहीं है। ठीक है, मैं चेक करूंगा बाबा। अब तुम चुपचाप फोन रखो, दिमाग खराब करके रख दिया। अजय जी, कल तुम्हारे डैडी आने वाले हैं, जानते हो क्यों? तुम दोनों की सगाई पक्की करने। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि दूसरा वेटिंग में है। फिक्र मत करो, मैं जो हूँ। गाड़ी क्यों रोकी तुमने? अच्छा स्वामी जी है। अरे स्वामी जी, अगर आपको मरना है तो बस या लॉरी को ढूंढो ना, मेरी गाड़ी ने क्या बिगाड़ा है। ज्वाला पांडे, गाड़ी में बैठकर तुझे अहंकार आ गया है क्या? दरवाजा बड़ा करना पड़ेगा। अरे स्वामी जी, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली जानता हूँ। इलीगल बिजनेस तुम्हारा प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट ये है कि तुम हवस के पुजारी हो। ये तो मेरे सारे गुप्त राज जानता है, आपको ये सब कैसे पता? मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ बच्चा, मैं भूत भविष्य पढ़ सकता हूँ और वर्तमान तुम्हें बता सकता हूँ। तुम अपने समधी करू पांडे के घर अपने बेटे से मिलने जा रहे हो।
करेक्ट है ना? अरे मम्मी, आप साधारण स्वामी नहीं है। आपका मेकअप देखकर लगता है आप कोई आंडू पांडू नहीं पहुंची हुई अस्थि है। मुझे मेरा भविष्य बताइए ना स्वामी जी। भाई ये तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मैं तो एक माले तक ही हूँ, मेरा भक्त तो 100 माले तक पहुंचा हुआ है। आप मेरा भविष्य लिख के बताएंगे बाबा? मिस्टर पांडे सुनो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूँ या इसका? बीच में बोलना बंद कर तू। स्वामी जी आप मेरा भविष्य बताइए। तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं है, जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। क्या बुरा वक्त? तुम्हारे बेटे पर ग्रहों की दशा है। अगर तुम केपी के समधी बन गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा क्यों स्वामी? तुम ऊपर चले जाओगे। ऐसे कैसे जाऊंगा, मैं तो फिट हूँ ना। बेटे से मिलोगे तो ऊपर जाओगे। ऊपर नहीं जाना, घर तो जा सकता हूँ। घर जाओगे तो भी मरोगे। तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ। वैसे तुम करू पांडे के घर जा तो सकते हो, मगर बेटे को देखना मत, वरना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू और फिर तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाएगा, है ना? Exactly. You catch my point. God bless you, my child. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कहाँ पढ़ाई की? I can speak 11 languages. 13 भाषाएं बोलते हैं। 11, 11, 11. एक और जरूरी बात, अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम अपने बेटे से मिलकर नहीं आ रहे हो तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। नहीं प्रभु, किसी को नहीं बताऊंगा। जाओ अभी। Stop there. क्या है स्वामी जी? क्या बताया, याद है? याद है स्वामी जी, मैं अपने बेटे से नहीं मिलूंगा, मिलूंगा तो मर जाऊंगा। इसी बात पे हैंड को शेक कीजिए। मैं शेक नहीं करता, मेरा धनुष करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही किया ना? अब क्या मिल्क शेक बनाओगे? जाओ। कहाँ है वो, कहीं दिखना जाए। वही गाजर मूली, लगता है इस घर में चिकन तंदूरी बनती नहीं होगी। अरे ज्वाला पांडे दरवाजे में क्यों खड़े हो, आजा, आओ आओ बैठो। अरे सेहतमंद रहने के लिए डॉक्टर ने फ्रूट्स खाने को कहा है। अरे अकेले आ गए, भाभी कहाँ है? कुछ दिन तो शांति से रहने दो, उसके बगैर सगाई में आ जाएगी। बैठ जाओ, डॉक्टर ने उसे भी फ्रूट खाने को कहा है, अगर वो होती तो प्लेट को भी खा जाती। ये इस तरह किसे ढूंढ रहे हो? अपने बेटे को? दोनों ऊपर हैं, बेडरूम में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। रुको बुलाता हूँ। बेटी सपना नीचे आओ, बेटी तुम्हारे ससुर जी आए हैं। उन्हें गुटरगु करने दो, हम अपनी बातें करते हैं ना। अरे हमारी बातें तो चलती रहेगी, अपनी बहू से तो मिल ले, ले आ गई। नमस्ते अंकल। दामाद जी कहाँ है? ऊपर बैठे बैठे चेरी या स्ट्रॉबेरी खा रहा होगा। वो अभी आ ही रहा है। अरे उसकी क्या जरूरत है, मैं तो कहता हूँ तुम भी ऊपर जाओ। उससे पूछ मेरी बेटी पसंद है या नहीं। उसने फोन पर ही कह दिया था कि चट मंगनी और पट ब्याह करवा दो। अच्छा ये बात है। वो देखिए अजय नीचे आ रहा है। अरे स्वामी जी। अबे ककड़ी मुंह से खाते हैं, तू आंख से ट्राई कर रहा है? जरा बाहर धूप थी ना तो आंखें ठंडी कर रहा हूँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाय बाबा। हाय, तेरी आवाज बदल क्यों गई? मेरे मुंह में एप्पल है। कौन सा एप्पल, कश्मीर का या शिमला का? कश्मीरी एप्पल। अच्छा, लगता है तुम तरह तरह के फ्रूट का मजा ले रहे हो। हाँ तो खाने दो। ये बताओ दोनों की जोड़ी कैसे लग रही है? अरे भाई बहुत बढ़िया, अभिषेक ऐश्वर्या लग रहे हैं। अरे ककड़ी में छेद है क्या? बेटे को तो बचपन से देख ही रहा हूँ, सपना अभी जब नीचे आई तब देखा उसे। मैं दोनों को जोड़े के रूप में देख रहा हूँ। बेटा तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जाओ कहीं इंजॉय करो। बाय बाय बाय। अरे केपी, क्या वो दोनों चले गए? हाँ चले गए। सही बोल रहा है ना? हाँ बाबा। उनके जाते ही तूने ये ककड़ी क्यों निकाल दी? आंखें ठंडी हो गई, ककड़ी गर्म हो गई। अरे भाई मजा आ गया आज तो। अच्छा जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी फिक्स कर देते हैं? जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे लंच टाइम हो चुका है, कुछ खा कर जाते। फिर कभी खा लूंगा अंकल। शादी की शॉपिंग के लिए मुझे बैंकॉक जाना है। बैंकॉक जाओ, कहीं भी जाओ बेटा। जाना तो है अंकल, पर आपका लाडला कहता है बैंकॉक क्या जाना, फैशन स्ट्रीट से शॉपिंग कर लो। आप कहिए ना उससे प्लीज। हाँ हाँ कह दूंगा। मैं बुलाऊं उसे? नहीं बेटा, नहीं, नहीं नहीं, मैं फोन पर कह दूंगा। क्या पापा? मेरी बहू को लेकर जल्दी से बैंकॉक जा। शादी से पहले क्यों? तू गलत समझ रहा है, शॉपिंग के लिए कह रहा हूँ। बहू जहाँ कहे वहाँ उसे शॉपिंग के लिए ले जा। हाँ ठीक है, अब फोन रखिए। हाँ थैंक्स अंकल। मैंने उसे कह दिया और वो मान गया। अच्छा चलता हूँ। ओके हाँ।
तो तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा वहाँ पर था? कोई शक है क्या? मैंने सचमुच अपने मुँह से उससे बात की। तुमने तुम्हारे बेटे को अपनी आँखों से देखा? मैंने खीरा लगा कर उसको अच्छी तरह से देखा। वो मेरा बेटा ही था। और जानता है अगले दो चार दिनों में दोनों बैंकॉक शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? एक काम करते हैं। वो क्या? तुम और मैं दोनों एयरपोर्ट चलते हैं। वो क्यों? मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम यकीन नहीं करते। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम दोनों साथ चलकर सच्चाई का पता लगाते हैं। एक घंटा हो चुका है और कितना इंतजार करूं? फ्लाइट का टाइम हो गया है, वो आता ही होगा। तुम्हारी सटक गई है, तुम मेरे बेटे पे शक कर रहे हो, किसी और को मेरा बेटा बना रहे हो। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ उसकी जासूसी कर रहे हैं तो मेरे सिर पर भी एक पट्टी होगी। तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। जब तुम सपना के साथ किसी और को देखोगे तो वही थर 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 कांपने लगोगे। भाई कार आ गई। आ गई। अरे देखो 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 देखो, मेरी बहू आ गई। बहू को देखकर इतना खुश मत हो, बम फटेगा जब उसे देखोगे। देखो कौन उतरेगा। गाड़ी से तुम्हारा बेटा कैसे निकला? मेरा बेटा नहीं तो पड़ोसी का निकलेगा। पड़ोसी का नहीं, कर नहीं तो बैंकॉक इसी फ्लाइट से तेरी लाश जाएगी। कहीं तो कुछ लफड़ा है। कहीं कुछ लफड़े? तेरी आँख में मोतिया हो गया है, कहीं जाके ऑपरेशन करवा। ए चल जल्दी चल, चोट का गहरा असर हुआ है। अगर गाड़ी से जेपी का बेटा उतरा तो वो वाला कहाँ है? जेपी का बेटा अजय केपी के घर पर नहीं। केपी के घर पर जो लोफर हैं वो जेपी का बेटा नहीं है। जेपी कह रहा है कि उसका बेटा करू पांडे के घर पर है। अरे यार, इस कंफ्यूजन में तो मेरा फ्यूज उड़ गया है। क्यूट गर्ल। लिफ्ट लिफ्ट। अरे ये तो बाइक वाला है, गाड़ी रोको। भाई दोस्त। अरे भाई तुम्हें कितना ढूंढा, उस दिन मेरी जान बचाकर कहाँ चले गए थे तुम? तो क्या करता, तुम इमोशनल होकर एहसान चुकाने की बातें करते हो, इसलिए मैं चला गया। लेकिन एहसान तो चुकाना ही पड़ेगा ना। एहसान चुकाना है तो मुझे लिफ्ट दे दो। अरे लिफ्ट क्या, पूरी कार ही लेके जा। कार से क्या मैं बैंकॉक जाऊंगा? क्या तू भी बैंकॉक जा रहा है? तो तेरा मतलब है कि तुम लोग भी बैंकॉक जा रहे हो शॉपिंग करने? हाँ चलो साथ में चलेंगे, मजा आएगा। ये कौन है? ये सपना है, मेरी गर्लफ्रेंड। ओह हाय। हाय यार, यार ये कौन है? सपना मेरी गर्लफ्रेंड। यार दोनों की सपना। चल चल जल्दी चल चल। यार मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलना। मुझे कार में आगे बैठने की आदत है, हाइट ज्यादा है ना, तो मैं फ्रंट सीट पर बैठ जाऊँ। जहाँ बैठना चाहता है बैठ। चल 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 आ जा। भाई क्या हुआ, हम उनकी तरह नेम प्लेट क्यों नहीं लाए? मैं जेपी के बेटे को पहचानता हूँ रे। केपी की बेटी को? उसको नहीं। तो कैसे पहचानोगे? सैफ के साथ घूमने कौन आएगा? करीना। अभिषेक के साथ? ऐश्वर्या। वैसे ये लोग भी जोड़ी बना के आएंगे। भाई आप बहुत होशियार हो। तुझे बहुत लेट पता चला। धूम धूम बैंक तुझे के मैं चलता हूँ। कहाँ चले? हम अपने बजट के हिसाब से होटल ढूंढ लेंगे। भाई मेरे रहते हुए होटल में रहोगे? कभी नहीं। एक काम करो, तुम मेरे अंकल के घर चलो। तुम्हारे अंकल के घर पर फ्रीडम नहीं होगी, हम होटल में ही ठीक है। जब चाहे इसे झप्पी मार सकता हूँ और मूड बना तो तो क्या पपी ले सकता हूँ। तुम भी पपी जैसे ही हो। करेक्ट। यार हमारी शादी नहीं हुई, अंकल साथ रहने नहीं देंगे। इधर मौज मस्ती करने तो आया हूँ, प्राइवेसी की वाट लग जाएगी। मेरे लिए होटल ही ठीक है यार। गुड आइडिया, हम लोग होटल में ही रहेंगे। चल। ओवर एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारा प्लान है नंदा के घर पर रहने का। टेंशन नॉट, वही तो कर रहा हूँ। भाई कोई गड़बड़? हमारा तो यहाँ कोई नहीं, पर तुम होटल में रहोगे तो अंकल बुरा मानेंगे। हाँ सही कहा, तुम लोग नहीं आओगे तो हम भी कैसे एंजॉय करेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। यार तेरी बात कैसे टालूं, पर गेम खेलना पड़ेगा। हा? तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। ऑर्डर कर दोस्त। आज से करू पांडे की बेटी ये है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों कहना है? तभी तो हम रूम में खली वली कर सकते हैं। नहीं मैं समझा नहीं। तेरी समझ से बाहर है, चल। वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू बैंकॉक। कैसे हो मुली? आप ही के मस्त हूँ। करू पांडे की बेटी यही है ना? सही कहा। देखा मैंने बोला था ना, ये तुम्हारी आइटम को केपी की बेटी समझ रहा है। खुद उल्लू है, सबको उल्लू समझ रहा है। क्या हमारा रास्ता तभी आसान होगा जब सामने वाला घोचू होगा। करेक्ट। ये कौन है? मेरे फ्रेंड्स
मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। नहीं आप रहने दो, मैं खुद बताता हूँ। मेरा नाम कोली बाबूराव, बाप कोली बाबूराव, दादर में कोली, बिल्ला नंबर 555, मीन राशि 7वीं फेल। ए मूली, मैंने तेरा नाम पूछा था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं। मैं गूगल हूँ, इतना पूछो इतने जवाब दूंगा। चलो कुछ भी बोलते हैं। ये नंदा भाई का महल, आ जाओ। हमारा सामान लेके आ रहे। अमेरिका से इंडिया में हथियार पहुंचाने चाहिए। हेलो 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 हेलो, वेलकम टू बैंकॉक एंड वेलकम टू माय होम। थैंक यू अंकल, हाउ आर यू? इनका क्या है, ये तो AK-47 की तरह हमेशा फायर करते हैं। क्या एग्जांपल दिया है। बाय द वे अंकल, ये किशन है, ये प्रिया, मेरे फ्रेंड्स। हाथ से पैर लागू। बंदे में दम है, बंदे में दम है। तुम अजय के फ्रेंड्स हो, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स हो। तुम यहाँ किसी भी चीज की टेंशन मत लेना, इसे अपना ही घर समझना। ओके साहब जी। बेटा डोंट कॉल मी साहब जी, कॉल मी अंकल। ओके। ये हुई ना बात। अजय अंकल, सफर करके थक गए हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। ओके अंकल। तुम भी आराम कर लो बेटा। ओके अंकल। बोली कमरे दिखाओ इनको। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। आप दोनों इस रूम में जाइए और आप दोनों इस रूम में जाइए। शकल से तो तुम मुझे इंटेलिजेंट लगे, पर निकले लल्लू। क्यों? शादी नहीं हुई और तुम इस लड़की को पति के कमरे में भेज रहे हो? आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है। हा? इसने सारी हदें पार कर दी तो? लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई तो? तुम मामू बनकर पालोगे? बोलो तो आइडिया दो। ऐसी मंगेतर को देखकर कोई भी फिसल जाएगा, पर दोस्त की मंगेतर को हाथ लगाएगा? इसीलिए अदला बदली करनी है। मैं भी यही बोलने वाला था, ये वाली यहाँ जाएगी और ये वाली यहाँ जाएगी, अब कुछ नहीं होगा, सेफ्टी। हूँ ना मैं इंटेलिजेंट? वो कैसे? कैसे खड़े मसले को बैठा दिया। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, तुम हटके भी हो दोस्त, मतलब हटेले। हेलो मूली स्पीकिंग। मेरी बेटी और दामाद पहुंच गए? हाँ एकदम सेफ। जरा मेरी बेटी से मेरी बात करा देना। हाँ हाँ देता हूँ। शरीफ देश हिंदुस्तान से तुम्हारे पापा का फोन। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? अच्छा उधर फोन पर बात कर रही है। अभी क्या चल रहा है वो नहीं पूछा, जब मैं अंदर आ रहा था तब। जब ही कांटा उसकी गर्दन में फंस गया था, मैं दांत से निकाल रहा था। अच्छा कांटा लगा था तो दांत से निकाल रहा था, हाथों में क्या मेहंदी लगी थी? हाथ से कमर पकड़ी थी। ये भी सही है, पर कमर क्यों पकड़ी? कांटा निकालते वक्त कहीं वो भाग ना जाए इसलिए कसकर पकड़ा था। पर कांटा गर्दन में कैसे घुसा? गुलाब बालों में लगाते वक्त। पर गुलाब तो है ही नहीं, दिख तो नहीं रहा। पर तूने तो अभी बोला कांटा लगा गुलाब फेंका। एक मिनट कंफ्यूज मत करो। देखो पराए माल पर नजर डालना अच्छी बात नहीं है, ये तो मैंने देखा, अगर अजय देखता तो उसे कैसा लगता? हा? कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका बड़ा दिल बहुत नरम है। डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए ससुर जी। ससुर जी। हाँ हाँ खाना खिला दिया। हाँ आप लेटेंगे, लेटे लेटे बाकी के काम हो सकते हैं। ठीक है आप बेफिक्र होकर लेट जाइए। बाय ससुर। केपी को ससुर क्यों कह रहे थे? ससुर को ससुर नहीं तो क्या असुर कहूँ? केपी का दामाद तो अजय है। हाँ अजय है। तो तुम उसके दामाद कैसे बने? क्योंकि उसकी बेटी से शादी करूंगा। केपी की बेटी तो ये है। हाँ यही है। पर ये तो अजय की है। ऐसे कैसे? बाप रे कंफ्यूज कर दिया मुझे तो। कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम्हें लग रहा है कि कंफ्यूजन है क्योंकि तुम कंफ्यूज हो और मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अब निकलो। हाँ। जाओ वहाँ टॉयलेट है, यहाँ से जाओ। हाँ। मूड खराब कर दिया। हाँ, कुछ तो झोल जरूर है। मुलायम तकिए पर लेटे लेटे खजूर खाने का मजा ही कुछ और है। तुम खाली खजूर ही खाओगे या कुछ और भी करोगे? ये मुझे बेवकूफ समझता है, मैं अभी के अभी इसकी काली करतूते अजय को जाकर बताता हूँ। व्हाट एन आइडिया मूली। खटखटा के नहीं है, दिमाग ठिकाने नहीं है। मेरा दिमाग तो ठिकाने है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? अब वो क्या है ना, मेरी आँख में कचरा चला गया था, ये जबान से निकाल रहे थे। वो वहाँ दांत से काटा निकाल रहा था, ये यहाँ जबान से कचरा निकाल रहा है। वो भी झोला लगता है, ये भी झोला लगता है, कुछ तो गड़बड़। ये मनी मन गड़बड़ क्या कर रहे? कुछ भी तो नहीं, मैंने देख लिया तो ठीक है, अगर किशन देख लेता तो उसे कैसा लगता? कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका बड़ा दिल नरम है। तुम क्या सलीम और वो जावेद है, दोनों सेम डायलॉग मारते हो? मैं यड़ा हूँ। दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ। चल भाग। ए धक्का मत मार। इस वाले की माल उधर है और उस वाले की यहाँ पर है। ये उसके आइटम के साथ मजे कर रहा है और वो इसके आइटम के साथ।
ये कैसी अदला बदली? बोला था ना बॉस, ये बाजी मेरी होगी। शो ये गेम भी गया और साथ ही अगले महीने की सैलरी भी। अरे किशन, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ हो गई। क्या खेल रहे हैं, तीन पत्ती या रमी? तीन पत्ती। खेलोगे तेरे साथ? खेलूंगा तो जुआरी उस्ताद के साथ, तेरे जैसे फटीचर के साथ नहीं। आई लाइक इट। बैठो बैठो। बॉस आप ही खेलिए। पर एक शर्त है। वो क्या? बॉस बैट खेलना बहुत पसंद करते हैं, बिना बैट के वो कभी खेलते नहीं। तो बोल ना, लग गए बैट। बात है लड़के में। ये लो। मैं पैक, बाजी आपकी हुई। पत्ते देखे बिना कैसे पैक किया तुमने? मूली के एक्सप्रेशंस बताते हैं क्या। आपके पत्ते बहुत सॉलिड है। ये गेम भी आप लेकर जाइए। अब कैसे पता चला? मूली इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है जैसे आपको गंदे पत्ते आए हैं। उसके एक्सप्रेशन से समझ गया पत्ते मजबूत हैं। इधर देख, अगर मेरे पत्ते देखकर फिर से एक्सप्रेशन दिया तो तुझे काट डालूंगा। चल भाग। हेलो। शो किंग, राजा एंड किंग। ओह, बाजी आपकी। हो गए ना कंगाल, मेरे बॉस पक्के जुआरी हैं, कभी हारते नहीं हैं। इन्हें हराना मुश्किल है। बंदे में दम है। वन मिनट। अंकल, आपका चेहरा बताता है कि आपको झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल सही कहा। पर एक चीज में मैं आपकी तारीफ जरूर करूंगा। मेरे गांव में लोग किराने की छोटी दुकान का हिसाब नहीं रख पाते, पर आप इतने सारे देशों में कितने सारे बिजनेस चलाते हैं, कैसे? कंफ्यूजन नहीं होता? दिमाग चलाएंगे तो कंफ्यूज होंगे ना। कंप्यूटर चलाते हैं। वन मिनट। होला, कंप्यूटर मतलब? मेरे बॉस की सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन ऊपर कंप्यूटर में है। अच्छा, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में। लक्ष्मी के बारे में पता कर, मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर दो दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर तेरी लाश जरूर मिलेगी। बात समझ में आ गई ना? फोन रख। लास्ट गेम तो तुम जीत गए थे, फिर हार क्यों मानी? गेम हार के नंदा के और करीब पहुंचना था। मुझे उसके सारे इलीगल बिजनेस किस कंप्यूटर में स्टोर है वो पता चल गया। अब देखना कैसे बाटली में उतार है। कैसे बाटली में उतारने की बात चल रही है? तुझे बाटली में क्यों उतारूंगा, डब्बे में उतार चुका हूँ। अच्छा, ये ले। ओ, पेपर, इसका मैं क्या करूं? तुम मेरा दिमाग देखना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें ये पढ़ के दिखाता हूँ। पढ़ना नहीं है, तुझे इस पेपर को फोल्ड करना है। एक क्या, मैं तो दस कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, शर्त लगा ले। एक फोल्ड के 1000, 10 फोल्ड के 10,000। डन, काम पे लग जा। इन कामों में एक्सपर्ट हूँ बेटा, अभी दिखाता हूँ। एक हो गया, दो और ये तीन, ये चार और पांच, 5,000 हो गए। 6, 10 कैसे? 6 के बाद 10 ही आता है ना। 7, 8 और 9 तेरा बाप गिनेगा। चल 10 फोल्ड करके दिखा, वरना तुझे फोल्ड कर दूंगा। अबे हाका नूडल, इतना दिमाग होता है तो अपने देश में काम करता। चल पेपर फोल्ड कर। मैं भी हलवा समझा था, होता ही नहीं है। मैं अकेला लल्लू नहीं हूँ, तुम सब लोग भी हो, है ना? DON क्या पासवर्ड होगा? बॉस बैट खेलना बहुत पसंद करते हैं, बिना बैट के वो कभी खेलते नहीं। BET तुम सब लोग को हरा दिया मैंने। तुम सब लोगों की जेबें ढीली करके मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि हारे हुए पैसे लौटा सकूंगा। रुक जा। कहां चला, चने के खेत में? तुझे लगा मैं बेवकूफ हूं? तूने मुझे उनके साथ पेपर बैट लगाते देख लिया ना? हाँ। मुझसे भी बड़े बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं तुमने मुझे सिखाया है। उन्हें बताना नहीं। डर मत। थैंक्स। पहुंची हुई चीज है,
पर मुझे तो उसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। बॉस हाँ, मुझे हाफ डे चाहिए। वो किस लिए? रेशन कार्ड के लिए फैमिली फोटो खिंचाना है। ठीक है जाओ। रेशन कार्ड के लिए फैमिली फोटो खिंचाना है। रेशन कार्ड फैमिली फोटो। तुम पागल हो गए हो कश्मीरी, ये ज्वाला पांडे का बेटा नहीं। 100% जेपी का बेटा है, पक्का असली। अगर ये असली है तो फिर वो कौन होगा? कोई डुप्लीकेट धोखेबाज। अब रह गई ना आंखें फटी के फटी। कहा था फोटो देखकर होश उड़ जाएंगे। अगर अभी भी डाउट हो तो जेपी को फोन करके पूछ लो। हाँ बोलो केपी, बोलो। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये क्या पप्पा, इसने हम सबको चूना लगाया है। एयरपोर्ट पर ही इसे भगाने की बजाय आप इसकी आरती उतारने के लिए घर पर ले आए। मारिए इसे। हाँ जोर से मारिए मुझे, पर पहले मेरी गलती बता दीजिए। मेरा बेटा बनकर केपी और सपना को धोखा नहीं दिया तुमने? नहीं दिया। ए मक्कार, झूठ बोलता है। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को अजय बनकर धोखा नहीं दिया तूने? अब बेकसूर बनता है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। ज्वाला ही मेरे अब्बू है। तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य का पुजारी हूँ। आप ही मेरे बाप है। भैया माना कि मेरा बाप इकलौता है, मगर माए लौट में है। मतलब तू मेरे भाई की रखेल की औलाद? चुप। मेरी माँ को रखेल कहा तो जबान खींच लूंगा। सॉरी, मेरे भाई का कैरेक्टर लूज है और मेरी जबान इसलिए निकल आया। मुझे लूज कैरेक्टर कहता है? तेरा खाना पीना बंद। लूज ना कहूँ तो क्या कहूँ? पता नहीं कितनी ब्रांचेज हैं। बांद्रा में, आंध्रा में, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, अहमदनगर, जामनगर। एक मिनट, आप गोवा गए थे? हाँ गया था, पूरे 1.5 साल था। वहाँ की वाइन शॉप याद है? बालाजी वाइन शॉप। हाँ बालाजी वाइन शॉप जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ, मेरा वहाँ खाता चलता था। उसके 30,000 चट कर गया मैं। चट कर गए वो पैसा याद है? वहीं पीछे छोटा सा घर याद नहीं? हाँ याद है, वही तो मेरा अड्डा था जहाँ मैं जाता था। बहुत छोटा था। हाँ घर छोटा था पर प्यारा था। उस घर की मालकिन थी नारायणी फर्नांडिस। नारायणी फर्नांडिस? वहाँ तो मेरी डिकोस्टा थी। मैं तो चेक कर रहा था, पकड़े गए ना आप? देखा भाई आपने, मेरे नाम तक याद है। शादी के इतने सालों बाद मुझे एक बार भी नाम से नहीं बुलाया। रोना बंद करो गायत्री, अभी नाम से बुलाया ना। वही मेरी डिकोस्टा, मेरी माँ है। मेरी माँ जर्मनी से बागा बीच के मजे लेने आई थी, पर आप खुले सांड की तरह बीच में आ गए। इन्फेक्चुएशन, अट्रैक्शन और लव का दिखावा करके मेरी माँ को जाल में फंसाया। आप हवस के पंडित थे। उन्होंने कहा शादी तक रुक जाओ, लेकिन आपने क्या कहा? मैं खाता हूँ अचार इन द डिश, खाने में चाहिए फ्राई फिश और रोमांस के लिए सिर्फ इंग्लिश। कहा था कि नहीं? मुझे भी यही डायलॉग चिपका के मेरी जायदाद अपने नाम कर ली। चुप करो। आपकी 56 इंच छाती और लटकती मूछें देखकर मेरी माँ फिसल गई। जब सुबह मुर्गा बोला तब मेरी माँ की आंखें खुली, पर आप तो 3 बजे सटक गए थे। 9 दिन बाद चक्कर आए, 90 दिनों बाद पाँव भारी हुआ और 9 महीने बाद मैं आ गया। मतलब तुम मेरे बेटे हो? भैंस की टांग, ये तो कहानी में नया ट्विस्ट ला रहा है। कितने कठोर हृदय के पाप हैं आप। कश्मीर की बर्फ पिघल सकती है मगर आप नहीं। मैंने मैटर बता दिया फिर भी आप चटरपटर कर रहे हैं। मैं ही आपका बेटा हूँ। चल मान लिया, जेपी का बेटा होने का प्रूफ दे। प्रूफ तो आपके सामने खड़ा है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो इनका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट ले लो, सच भी फ्लो में बाहर आएगा। अरे नहीं, इतने सारे टेस्ट, मुझे टेस्ट से डर लगता है। सुई से मेरी उंगली निकल जाती है। सुई से डर लगता है या सच बाहर आने से? अगर आप सबको मुझ पे अब भी शक है तो मामा को गोवा भेजो। मैं खून का खून और पानी का पानी करने के लिए गोवा जाऊंगा। ए फैमिली मैटर बाद में, पहले मेरा मैटर सेटल करो। कौन सा मैटर? अपने बाप के पास जाने के बजाय तुम मेरे पास क्यों आ गए? वही जा रहा था, लेकिन अगर वो मुझे उठा के बाहर फेंक देते तो, किसी से मेरा गला दबा देते तो, मुझे पता चला कि आप समधी बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। खुद को होशियार समझते हो? यहाँ पर भी वो तुम्हें मार सकता है? नहीं नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मैं मर गया अंकल तो आपकी बेटी भी मेरे सदमे में जान दे देगी। हाँ पापा, मैं किशन के बिना नहीं रह सकती हूँ। आखिर इसमें किशन का क्या दोष है? गलती तो जेपी अंकल की है। मैं तो वैसे भी ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर शादी के लिए आप ही ने मुझे फोर्स किया। किया या नहीं? मुझे लगा ये ज्वाला पांडे का बेटा, इसलिए किया। अब आप समझे ना। हाँ। हर बेटा अपने बाप की ही औलाद होता है, वैसे ही मैं जेपी की औलाद हूँ, यही सच है। इसका सिक्का स्ट्रांग है, मुझे तो अपना ही सिक्का खोटा लग रहा है। अपना सामान बटोरो और निकलो। तुम भी किस
किसकी बातों में आ गई गायत्री, मेरी बात तो सुनो। आप शादी के पहले भी डर गई थे, मेरी कजिन बहन पे भी डोरे डाले थे आपने। मुझे तो यकीन है कि ये आप ही का बेटा है, इसकी हाइट आप ही की तरह है और शक्ल भी आपसे मिलती है। वो मेरा बेटा नहीं है, 100% आप ही का हूं। अबे तू चुप कर, तुम ऊपर क्यों जा रही हो, रुको। नहीं रुकूंगी, कहाँ कहाँ मुंह मार के आए हो तुम, आज ये कान खुला कल कुछ और खुलेगा, मेरी कितनी सौतन है। चोर आसानी से गुना कबूल करता है क्या, इनके भारत के हर एक राज्य में एक बछड़ा होगा, गिनना मुश्किल है। अबे तू चुप कर, अब रुक जाओ ना गायत्री। हाँ छोड़ो। क्या हुआ बहन? माँ फ्रैक्चर नहीं है, थोड़ी सी मोच आई है, एक हफ्ता रेस्ट लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाभी के ठीक होने तक सब यहीं रहेंगे? सब रहेंगे, ये नहीं रहेगा। ये भी यहीं रहेगा। डैडी हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि ये सच कह रहा है या नहीं। किशन भी यहीं रहेगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। यहाँ पर उसका क्या काम है? उस बात को रहने दो, हम इंक्वायरी के बाद सब देख लेंगे। ये लीजिए सर, पेन ड्राइव के अंदर नंदा के काले धंधे की पूरी जानकारी है। तुम सचमुच बहादुर हो। गुड। थैंक यू सर। इन सबूतों से हम नंदा को पकड़ सकते हैं ना? इतना आसान नहीं है किशन, दूसरे देश में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वहाँ की परमिशन जरूरी है। हम जानते हैं डॉन कहाँ छुपा है, फिर भी हम उसे अपने देश नहीं ला पा रहे। अगर नंदा इंडिया आ गया तो? फौरन अरेस्ट करेंगे, उसे अपनी शादी में इंडिया बुलाऊंगा, वो जरूर आएगा। तुम कर सकते हो किशन, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। बाय द वे, जेपी केपी के बारे में कोई सुराग मिला? वो दोनों भी जेल में होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गुड, लेकिन जरा संभल कर। ओके सर। लगता है यही गोवा वाला घर है। घर वाला घर पे है। क्या चाहिए तुझे? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप कौन? बाबा खली वली हुला बुला। तेरी तो ये फोटो किसकी है? मेरे शत्रु ज्वाला पांडे की। शत्रु? पर क्यों? मेरी एक ही बेटी थी, मेरी डिकोस्टा नाम था, उसे चंपा के फूल बहुत पसंद थे। ये आदमी जेपी उसे रोज लाकर देता, चंपा के फूल देते देते उसने मेरी बेटी को माँ बना दिया और मुझे दाता। वो आपका दामाद है तो शत्रु कैसे हो गया? कूल कूल। मैंने शादी के लिए उससे मिन्नतें की पर वो राजी नहीं हुआ। मैंने उसके पांव पर नाक रगड़ी पर वो भाग गया और मेरी गॉड के पास चली गई। तब से मैंने दाढ़ी बढ़ाई और बदले की आग सीने में जला के उसे भड़का रहा। आपका पोता कहाँ है? अपने बाप को ढूंढने गया है। वो भी बदला लेगा? उसे तो डैडी से बहुत प्यार है पर मुझे ज्वाला पांडे से नफरत है। जिस दिन मिलेगा कच्चा चबा जाऊंगा। मतलब किशन सही कह रहा था, दादा यहाँ बदले की आग में जल रहा है, पोता वहाँ प्यार में। आप अपना हुलिया ठीक कर लीजिए, भूल जाइए पुरानी बात। मेरी बात ध्यान से सुन, निकल यहाँ से, get lost। आई, आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, चल निक। हाँ जाता हूँ। सुनो सपना, ओके? हाय। क्या है? किशन ने जो तुम्हारे बारे में कहा क्या वो सच है? क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि तुम सिर्फ बंदूक साफ करते रहते हो, गोली आज तक नहीं चलाई है। ऐसा कहा उसने? उसी को उड़ा के दिखाता हूँ। उससे उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम बंदूक चलाकर मुझे दिखा दोगे तो ये बात मैं उसे बता दूंगी कि तुम एक ग्रेट शूटर हो, है ना? तुम यही रुको, मैं अभी गोली भर के आता हूँ। मैं तैयार हूँ। निशाना कहाँ लगाऊं बोलो? उस गमले पर निशाना लगाओ। अरे आतंकवादी हमला हो गया क्या? क्या बात है, आज निशाना सही लग रहा है। बापू आपको कोई टपका रहा है? मुझे टपकाएगा? मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आपको बचाने के लिए आया हूँ बापू। क्या करूँ क्या करूँ? ये नीचे डाल देता हूँ। ये भी। टेक कवर मॉम डैड। तुम न होते तो मैं कब का नर्कवासी हो गया होता बेटा। मेरे होते हुए आप दोनों को कभी कुछ नहीं हो सकता।
पर बेटा हमें मारना कौन चाहता है? अभी देखता हूँ कौन है वो उल्लू का पट्टा। आप कवच पकड़िए। अब बताओ सही लगा ना? मैं तुम्हें मान गई। अजय तुम सच में शार्प शूटर हो। चलो देखें कितने गमले टूटे हैं। चलो देखते हैं कौन हाथ धोकर आपके पीछे है। भैया डैड पर जानलेवा हमला करने वाले तुम थे। डैड ने क्या बिगाड़ा है? भगवान की तरह पूजा करने के बजाय राक्षस की तरह वध कर रहा। चुप बकवास मत कर। मैंने गोली चलाई पर इनके ऊपर नहीं। अगर मारना नहीं था तो गोली क्यों चलाई? सपना ने मुझे शूट करने के लिए कहा था। मैंने? मुझे शूटिंग से बहुत डर लगता है। मैंने तो आज तक किसी फिल्म की शूटिंग भी नहीं देखी। ए सपना तू झूठ मत बोला। चुप कर नालायक। समझ गया डैडी आपको मार कर पूरी जायदाद का मालिक बनना चाहता है। मैं आपको क्यों मारूंगा? आपके बाद सब मेरा ही तो है। देखा और वैसे भी इनके जाने में बस कुछ ही दिन तो बचे हैं। क्या रे तू ये चाहता है कि मैं आज ही मर जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था पापा। अगर तू मुझे नहीं मारना चाहता था तो फिर आखिर मुझ पर गोली ही क्यों चलाई? ये मारना चाहेगा तो आप क्यों मरेंगे? मेरे अंदर आपका खून आपके लिए बहाऊंगा जैसे ब्रह्मदेव से अपने पति की जान बचाने के लिए सावित्री लड़ी थी। ब्रह्मा से नहीं यमराज से। हाँ वही मैं भी लड़ूंगा। शपथ जब तक जिंदा हूँ आपका टेटवा कोई नहीं दबा सकता कोई नहीं। चलो ना माँ फैमिली चाय हो जाए। चलो दीदी जीजा जी कहाँ हैं आप लोग? किशन के बारे में तुमने सब पता किया ना? पता किया फोरेंसिक लैब से भी पक्का सबूत डीएनए टेस्ट से भी ज्यादा मजबूत रिजल्ट निकाला। ये लड़का सच कह रहा है ज्वाला पांडे ही किशन का असली बाप है। ये बात किसने बताई? मैं इसके नाना से गोवा में मिला था। ज्वाला पांडे की फोटो वो अपने गले में लटकाकर इनसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। लेकिन मैंने तो जीजा जी आप बहुत ही लकी हैं। ये शरीफ लड़का है इसलिए इसने सबके सामने आपकी बेइज्जती नहीं की। पर इसका नाना बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। आपको काट के रख देगा इतने छोटे छोटे टुकड़े करेगा कि आप गिनती भूल जाएंगे। वो आपको ढूंढ के रहेगा। गारंटी क्या है कि ये हमसे बदला नहीं लेगा बताओ? डोंट बी नेगेटिव बी पॉजिटिव क्योंकि मेरे अंदर भी बाप की तरफ बी पॉजिटिव खून है। बी पॉजिटिव नहीं बी नेगेटिव है। जरूरी नहीं कि बाप बेटे का ब्लड ग्रुप मैच हो। साबित हो चुका है कि मैं इनका बेटा हूँ। इसके लिए मैं अब्दुल कलाम को सलाम करता हूँ। पर उन्हें क्यों? उन्होंने कहा सपने देखो और उसे सच कर दिखाओ। मेरा सपना था आपसे मिलना जो पूरा हुआ। माँ बचपन में मैंने जर्मन माँ खो दी आज इंडियन माँ मिली। ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे यही मेरा आशीर्वाद है। जा रहा हूँ आप रोकेंगे तो भी नहीं रुकूंगा। रुक जाओ ये क्या नाटक है? अपनी ही मर्जी चलाओगे? जब मैं जानता नहीं था तब तो तुम मेरे पास थे। अब जब जान गया हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो। कहीं नहीं जाओगे तुम मेरे साथ ही रहोगे। नहीं पापा मैं रहूंगा। भाई से तो पूछ लो। उससे क्या पूछना है? उसकी माँ होने के नाते मैं कहती हूँ कि तुम यही रहो बेटा। पर माँ देखो तुम जेपी के बेटे हो और मेरे होने वाले दामाद। तुम कहीं नहीं जाओगे यही रहोगे बात खत्म। यही रहूंगा फाइनल है। बेटे मेरे लिए भी बना। सबको उल्लू बना दिया। टेंशन मत ले जब वक्त बुरा होता है ना तब गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जो कुछ हुआ उसे भूल जा उस लड़की को भी भूल जा और इस माफिया साम्राज्य का लीडर बन जा तू लीडर। आप थोड़ी वो तो पप्पा बनाएंगे ना। तू बस जैसे मैं कहता हूँ वैसा करता जा तू जरूर लीडर बनेगा। थैंक यू अंकल अगर बन गया ना आपको मिठाई खिलाऊंगा। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस उस किशन से बदला लेना। मतलब हम दोनों का मिशन एक ही है दो ताली। मैं पूरा मामला समझ गया। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती वैसे एक अंगूठी में दो उंगली नहीं घुस सकती। इम्पॉसिबल इन दोनों में से कोई भी डॉन नहीं है तो मैं अपना काला धंधा आखिर किसको सौंपूं? आज तक हम गैर कानूनी तौर से हथियार सप्लाई करते आ रहे हैं अब हमें ये देखना है कि किसके पास कितना दिमाग है। हाँ इसलिए हमने ये फैसला किया है कि धंधा संभालने के लिए तुम दोनों इम्तिहान दोगे जो जीतेगा विरासत उसकी। पहले तुम्हें एक काम करना है रत्नागिरी से हथियार हम तक सप्लाई होते हैं। हमारा आदमी शहर के बॉर्डर तक उन हथियारों को ले आएगा और वहाँ से गोडाउन तक तुम लेकर आओगे पुलिस को चकमा देके। मैं तैयार हूँ। तुम क्या कहते हो? अगर बड़े भाई तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। डैडी आशीर्वाद। अरे तुम झुक सकते हो मैं नहीं। आजा गले लग जा।
दामाद जी अभी तक आए नहीं और वो आ भी नहीं पाएगा। हथियारों की स्मगलिंग करना कोई आसान बात नहीं है। अरे वो तो क्या उसका बाप भी बाप तो यहीं पर बैठा है। स्टॉप स्टॉप रुको अंदर क्या है? आइस ब्लॉक सर। चलो दिखाओ बर्फ निकाल के चेक करो। सर थोड़ा जल्दी बर्फ पिघल ना जाए। सर बर्फ के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है जाने दो। बेटे तुम आ गए हथियार लेके? मैं हूँ कौन? अरे मेरा बेटा। वो आपका बेटा खाली हाथ हिलाते आ सकता है? आइए। ये क्या है? हम सबको बर्फ के गोले खिलाओगे? अंडा कहाँ होगा? मुर्गी में। केला कहाँ होगा? छिलके में। तो हथियार कहाँ होंगे? बर्फ के अंदर ही होंगे। बर्फ में? क्या बात है। अरे बाबा ये देखिए। शाबाश दामाजी कमाल कर दिया तुमने। हाँ पहले मेरा बेटा है ये बाद में तुम्हारा दामाद। हाँ डैडी। कोपचे में चल कोपचे में चल। तू भी वही प्लान बना और हथियार यहाँ लेके आ। मैं उसकी कॉपी क्यों करूँ? मैं कुछ हट के करूँगा। उसके लिए दिमाग चाहिए जो तेरे पास नहीं है। तू सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। बोल साई। भाई आप बेफिक्र रहिए मैंने बर्फ में नमक मिला दिया है। बर्फ पिघलेगी ना? पिघलेगी नहीं पानी पानी हो जाएगी। सर पुलिस है सर। हाँ? तो क्या मुझे डरना चाहिए? क्या है अंदर? बर्फ। ठीक है जाओ। क्या हुआ? गवर्नमेंट तुम्हें सैलरी क्यों दे दी है? ड्यूटी ठीक से करने के लिए ना। जाओ चेक करो। बोला ना जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से जाओ। हे, तुम जैसों की वजह से देश खतरे में और आतंक फैलाने में तुम जैसे ही लोगों का हाथ है। चेक करो। ये देशभक्त लगता है। चलो चेक करते हैं। चलो आ जाओ। चेक किया? हाँ किया। ये सब क्या है? बर्फ। जरा मुड़ के तो देख। मुड़ के क्या? वो उल्लू का पट्टा कुछ भी नहीं कर सकता। उसका बस चले तो धंधाई चौपट कर दे। बिना मतलब की टेंशन दे गया। अब उसको कौन निकालेगा बाहर? अरे इतना टेंशन मत लो। मैं वहाँ के कुछ ऑफिसर्स को जानता हूँ। छोड़ देंगे उसे। टेंशन मत लो। हाँ बोलिए सर। तुमने जेपी के बेटे को पकड़ा? हाँ सर। जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। सॉरी सर ये केस कमिश्नर साहब के पास है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा उसने? केस कमिश्नर के पास है। पता था मुझे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो पुलिस की मार कैसे सहन करेगा। टीचर के फट 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 के खाता था तो बीमार पड़ जाता था। पुलिस तो उससे भी जोर से मारती है ना। मारेगी नहीं चमड़ी निकाल देगी। मुंह बंद कर भी अपना। अगर उसने मुंह खोला तो हम सब अंदर जाएंगे। हाँ। और बुढ़ापे तक जेल में चक्की पिसे। डैडी यू डोंट वरी मैं भाई को छुड़ाऊंगा। अजय को रेलवे की पटरी क्रॉस करने के जुर्म में नहीं पकड़ा है हथियारों की स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ा है। मैं जानता हूँ। हाँ। मुंह बंद। डैडी मैं वहाँ के एक इंस्पेक्टर को जानता हूँ जो कमिश्नर साहब का खास आदमी है। वो मेरी बात जरूर मानेगा। आओ भाई आ जाओ। डैडी देखो कौन आया। जीजा जी अजय आ गया। अरे बेटा मेरे लाल। पप्पा तूने आज जो काम किया है उससे मैं तेरा मुरीद बन गया हूँ। मेरा जी करता है तुझे फिर से गले लगा लूँ। ऐसा ऐसा मत बोलिए बड़े भाई को बुरा लग जाएगा। तार की तरह लंबे होने से कुछ नहीं होता। भेजा खाली हो तो जिंदगी झंड है। क्यों बेटा शेर की तरह दहाड़ मार कर गए थे बकरी की तरह बे बे करते वापस आ गए? लगता है खून गर्म हो गया। एसी चालू करके सो जा ठंडा कर ले। दामाजी तुम्हें जो टेस्ट दिए थे उसमें तुम पास हो गए। अब से हमारा बिजनेस तुम ही संभालोगे। संभालने के लिए आपको समझाना पड़ेगा मुझे। अरे बेटा मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। आओ बेटे हिंदुस्तान के सारे डॉन तुमसे मिलना चाहते हैं। भाई लोग एक मिनट जेपी मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तुरुक ये देख कोची डॉन मस्कर्स चेन्नई डॉन पॉपर किंग्स रॉयल डॉन बेंगलुरु से
राजस्थान डॉन राइडर्स, मुंबई डॉन मास्टर्स, ये सब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट गुंडे हैं, इन्हें इंग्लिश में समझाओ। इंग्लिश ABCDF, माय सन फ्रॉम बालाजी वाइन्स, बैक साइड फ्रंट। डैडी मैं परिचय देता हूँ, कोलकाता अमित तुम्हारे बालो भाषी, कोची जेपी एनोड़ा अच्छन यानी अमिताभ बच्चन, आई मीन डॉन, बेंगलुरु कैसे हो, मैं बोलता समझता, मुंबई मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा, मी मुंबईकर। माफिया गिरी मतलब क्या? देश सेवा। अगर माफिया ना हो तो पुलिस बेरोजगार, लॉयर्स बेरोजगार, चैनल्स की रेटिंग डाउन, न्यूज़पेपर की सेल डाउन। इन वन वर्ड, वी आर रूलिंग द कंट्री, सो लेट्स एंजॉय। डैड ससुर जी मस्त बोला ना सर, जेपी केपी के गैर कानूनी धंधों की डिटेल्स मेरे पास आ गई है, जल्द से जल्द मैं आपको दे दूंगा। अब उन दोनों का कानून की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है। ओके सर, बाय। हमसे गद्दारी? भाई ए, भाई मत बोल, मुझे लगा ही था कि तू पुलिस इन्फॉर्मर है, और आज रंगे हाथों पकड़ा भी गया। मैंने सब सुन लिया है, मैं पप्पा को सारी सच्चाई बता दूंगा। पप्पा, अंकल, पप्पा। अब क्या करूं? ओके हो जाएगा। अरे ये यहाँ क्यों सो रहा है? सुन फोन रखता हूँ। क्या दिन आ गए हैं, जवान बेटा भिखारियों की तरह सोया है, इसको क्या हो गया तू ही बताना बेटा। आपसे क्या छुपाना भाई, कल से मुझसे नाराज है, मेरी शादी उससे पहले जो हो रही है, आपने अपना सारा बिजनेस मुझे सौंप दिया है, ये बुरा मान गया, इसी सदमे में पी पी कर लिवर खराब कर देगा, इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वरना उल्टियाँ करेगा, मैं नहीं देख सकता, इसे कैसे बचाएं? मेरे साथ भाई के भी हाथ पीले कर देते हैं, फिर भाई दारू छोड़ देगा। बेटे तुम तो बाप से भी ज्यादा अपने भाई के बारे में सोचने लगे हो, महान हो तुम। अच्छा बताओ तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? लड़की है ना, बहुत अच्छी लड़की है। कौन है वो? भाई को जिसने जेल से छुड़वाने में मदद की थी, वो पुलिस ऑफिसर है ना। हाँ उसी की बेटी है, शादी करवा देते। पुलिस ऑफिसर की बेटी? वो चोर के घर बेटी देगा? जरूर देगा, मनाने की जिम्मेदारी मेरी। शादी हुई तो समझो डबल बेनिफिट। कैसे? एक भाई की शादी हो जाएगी, दूसरा आपको अगर जेल जाना पड़ा तो वो आपको छुड़वा कर लाएगा। अच्छा आइडिया है ना? बहुत ही अच्छा आइडिया, मजा आ गया। जा देर मत कर, बात चला। ओके डैडी अभी बात करता हूँ। हेलो सर, मैं किशन बोल रहा हूँ। क्यों बेवड़े, होश आ गया? आइंदा तूने शराब को छुआ भी तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे मैंने शराब नहीं पी, इसने मुझे सर पर मारा, धोखेबाज है ये। बेटा बिल्कुल बाप पर ही गया है, महान को धोखेबाज कहता है। मेरा यकीन कीजिए, वो पुलिस वाले से बात कर रहा है। मैंने ही कहा है तभी वो बात कर रहा है। नहीं पप्पा, उसके पुलिस वालों से संबंध है। अरे उसके संबंध है तभी तो वो तेरा संबंध जोड़ रहा है। पप्पा वो सारी डिटेल्स पुलिस वाले को दे रहा है। बेवकूफ, डिटेल्स नहीं देगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा? डैड मैंने उन्हें सब बता दिया, वो मान गए हैं, लड़की देखने हमें अपने घर बुलाया है। बड़े भाई कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? बेटे कल तुम होने वाली बीवी से मिलने जाओगे। बीवी से मिलूंगा? किशन ने मुझे आपके बेटे के बारे में सब बता दिया, मुझे लगा ये जोड़ी हिट रहेगी इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, बस इसकी हाँ बाकी है। पापा हम भाई को यहाँ जबरदस्ती लाए हैं, वो यहाँ से कभी भी 9 to 11 हो सकता है। अंकल व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये पागल कभी भी भाग सकता है, कोई भरोसा नहीं इसका। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ वो नहीं भागेगा, मैं घर से ही उसे धमका के लाया हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ ये चुपचाप क्यों बैठा है। मेरा भाई थोड़ा सा शर्मीला है। शर्मीला है? शक्ल से तो बेशर्म लग रहा है। भाई साहब आपकी बेटी को बुला लीजिए। बुलाता हूँ, बिटिया को ले आना जरा। बेटा शर्माओ मत, देख लो। देख तो ले, अब शर्मा मत, अगर तूने लड़की को देख लिया तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। देख ले भांजे। तुम हो? अरे अजय तुम इसे पहले से जानते हो? हाँ मम्मी। पापा यही है वो लड़की जिसने करू पांडे की बेटी बनने का नाटक किया था और मेरे साथ बैंकों का ही थी। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या? सच बोल रहा हूँ। चुप रहो, मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? वो शहर से बाहर नहीं गई, तुमने उसे बैंकॉक में कैसे देख लिया? झूठे कहीं के। यकीन नहीं आता तो इसी से क्यों नहीं पूछ लेते? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ जानता हूँ, पता है मुझे। आप चुप क्यों हैं पप्पा, ये चालू लड़की है। खबरदार, एक लफ्ज भी और कहा तो गोली से उड़ा दूंगा।
क्या लड़का ढूंढ कर लाए हो तुम? तुम पर भरोसा करके मैंने इस लफंगे को अपने घर में आने दिया और ये मेरी ही बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। देखना, तुम्हारे कहने पर इसे जेल से छोड़ा था पर अब इसे वापस डाल दूंगा, इसकी बेल भी नहीं होगी। लगता है भाई की अभी तक रात की उतरी नहीं है, शादी के बाद सच का पता लगा लेंगे। भाई को जल्दी से पटा लो वरना वो शादी के मंडप में नहीं जेल जाएगा। हाँ, पटाता हूँ, तू मुझे डरा मत। देख कितनी सुंदर है बहू, गुणवंती लग रही है, तुझे कोई धोखा हो रहा है? नहीं, मुझे कोई धोखा वोखा नहीं हो रहा है, मैं इसे भूल ही नहीं सकता, यही थी वो। जब इसी के साथ गुलछेरे उड़ा रहे थे तो अब क्यों मना कर रहे हो? चुपचाप हाँ कह दो वरना जेल में चक्की पीसते रहोगे, कोई नहीं छुड़ाएगा। गोटे साहब, मेरे बेटे को रिश्ता मंजूर है और मुझे भी बहुत पसंद है, आप शादी की तैयारियां कीजिए, दोनों को एक ही मंडप में निपटा देंगे। Excuse me, यहाँ ज्वाला पंडे कौन है? Hey, दारू पी कर आया? नहीं, पीकर नहीं आया, आके पिया। भाई, भाई, तेरी शादी है? हाँ, मेरी। तू ज्वाला पंडे का बेटा है? हाँ। जितनी पीती पूरी उतर गई। सोच के तो आया था कि शादी रोक दूंगा लेकिन अब नहीं। तू शादी क्यों रोकने आया? क्योंकि हम दोनों एक ही क्वार्टर के दो पैग है भाई, मेरा बाप और कोई नहीं तेरा ही बाप है, ज्वाला पांडे। क्या बात कर रहा है? सच्चे भाई, गोवा बागा बीच पता है? हाँ, क्यों? बालाजी वाइंस के पीछे जो घर है वो भी पता है? जानता हूँ, वहाँ मेरी माँ मैरी डिकोस्टा रहती थी। तेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया, मैं जब खंबा लेने के लिए बालाजी वाइंस में गया ना तब रामू चाचा ने बताया, इसलिए मैं यहाँ न्याय पाने आ गया। तुम चाहते क्या हो? ये शादी रोक दो। भाई कूल, लावारिस बाटली पे लेबल लगाने से पहले मुझे देख, मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ, मैं तुझे खंबा मतलब न्याय दिलवाऊंगा। मनीषा प्लेट दो, जाओ। हाँ, ये लो पकड़ो। इसका क्या करूँ? ऐसे फेंकना। पीएम के बगैर पार्लियामेंट नहीं चल सकता, स्पीकर के बगैर असेंबली नहीं चल सकती, चावल के बिना शादी नहीं हो सकती, ये खाते रहे, जब तक खत्म हो जाएगा तुझे न्याय मिल जाएगा। पहले इसको खलास करता हूँ फिर शादी रोकता हूँ, क्वार्टर के साथ चकना अच्छा मिला है। रवि इधर। हाँ किशन। जब तक शादी नहीं होती उस बेवड़े पे नजर रख, अगर उसने मुंह खोला तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं जेपी का बेटा नहीं हूँ, इन्फॉर्मर बनकर मैं इनके बीच में आया हूँ और नंदा को पकड़वाना ही मेरा मकसद है। उसे बोतल देते जा ताकि उसकी बोलती बंद हो जाए। जा, जल्दी जा। हेलो, तुम तैयार नहीं हुए? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। लगा चुका। दुनिया को जितनी बड़ी बड़ी शेंडियां लगानी थी तू लगा चुका। अब तेरा ये प्लान मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैं किशन की बातों में आ गई, आप जैसे गबरू जवान को मैंने धोखा दे दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने आपको जो धोखा दिया उसके लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ। हमारा प्रायश्चित कितने देर का होगा? मैं आपको पहले बताने वाली थी पर मैं आपको देख कर डर जाती थी, चलिए ना मेरे साथ। हाँ। नमस्कार, आइए सीधे अंदर जाके लेफ्ट मारिए। अरे मूली, बाबूराव मूली साथ में छमिया भी है। ओ, हाँ यार, सही कहा, सही जगह आए हैं। यार मूली, ये छमिया कौन है? छमिया? अरे इसे कब पटाया रे तूने? अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें गलत फैमिली हो गई। अरे नहीं नहीं नहीं, आजा मेरी नूरजहां, तू थी कहाँ? लेकिन बॉस, आप तो हमेशा ऑडी में आते थे बॉस, आज ऑटो में कैसे आ गए? अगर बुरा वक्त चल रहा हो ना तो ऑडी भी ऑटो बन जाती है। बैंकॉक में बॉस का सारा बिजनेस चौपट हो गया। मतलब किसी ने सारे सीक्रेट्स पुलिस को बता दिए और बॉस सड़क पर आ गए। यहाँ की पुलिस फोर्स दिन रात मुझे ढूंढने में लगी है, इसीलिए मैं अलग अलग गेटअप में घूम रहा हूँ। तुम लोग तो जानते ही हो ना मैं बेवकूफ बनाने में माहिर हूँ। क्यों? हाँ हाँ बॉस, बॉस बुर्का पहन लो। अबे ए जूस वाले, अरे सुना नहीं दे रहा क्या? बहरा हो गया? आजा इधर। जूस जूस, ए जूस। सुनता नहीं बहरा है क्या? भाई आपका गेटअप तो ऐसा है कि आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। भाई एकदम मस्त गेटअप है। मैं ये कह रहा था बॉस, ऐसे फैंसी ड्रेस में जाते तो पहला इनाम जीत के लाते, वेटर ही लग रहे। जेपी केपी के पास जो वेटर बनकर घूम रहा है वही नंदा है। क्या ये नंदा है? ये वेटर के गेटअप में क्यों है? क्या हम पुलिस को बुलाएं? नहीं सर, यहाँ पर बहुत सारी औरतें और बच्चे हैं, उन्हें खतरा हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते।
वक्त आने पर मैं आपको सिग्नल दूंगा। वो अपनी पहचान छुपा कर आया है, वही नंदा है, मैं उसके मुंह से उगलवाऊंगा, देखिए। वेटर, क्या है ये? अरे बता, शादी के हॉल को तुमने कबाड़ खाना बना दिया है? मेरी शादी के स्पेशल गेस्ट कौन है पता नहीं? नंदा जी, इतने महान आदमी कचरा देखेंगे तो क्या कहेंगे? ने, 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 बेटा। शताब पिताश्री, नंदा जी मेरे लिए साक्षात भगवान है। वो कोई कुत्ते का बच्चा नहीं, शेर का पिल्ला है, बैंकॉक का ड्रैगन है, 10 सिर बगैर का वो रावण है। और इसने, अरे नहीं बेटा, तूने इन्हें पहचाना नहीं, यही है नंदा। ये जोकर और नंदा, नंदा कौन है पता है? टाइगर है। और ये क्या है, टायर के अंदर वाली ट्यूब जितना काला है? कहाँ ये गंदा और कहाँ वो महान नंदा? ये नंदा ही है, अभी दिखाता हूँ, ये देख। मालिक, नंदा, मेरे नंदा, मुझे क्या काटा जो मैंने मारा चाटा, पाए लागू। ओके ओके, इट्स ओके, गलती से गलत फहमी हो गई। लगता है इसने बॉस पर जानबूझकर हाथ साफ किया। कृपया कर दूल्हे को भेजिए। हाँ भेजता हूँ। किशन बेटा जाओ, पंडित बुला रहे हैं। शादी करके आता हूँ। ये लड़का तेरा जमाई कैसे? ज्वाला पांडे का बेटा तेरा दामाद बनना चाहिए था। ये मेरे बेटे को ही अपना दामाद बनाने जा रहा है, पर ये तेरा बेटा थोड़ी है। नंदा भाई, ये भी ज्वाला पांडे का ही बेटा है। ऐसे कैसे? बैंकॉक में तो अजय ने कहा था कि वो उसका फ्रेंड है। पहले फ्रेंड थे, अब भाई है, माँ अलग है। वहाँ जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे बॉस आधे पागल हो चुके हैं। अगर ऐसे कंफ्यूज किया तो वो पूरे के पूरे सठिया जाएंगे। चलो सच सच बोलो। अरे लंबी कहानी है, पूरा दिन लग जाएगा बाद में। एक मिनट, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को आपस में बस समझी बनना है और कुछ ना। कहाँ फंस गया? चलो, कहाँ जा रहे हैं? पूरा का पूरा चावल खत्म कर दिया, अब तो शादी रुकनी भंगती है। बाबू बाबू, क्या हुआ? मैं यहाँ। मैं क्या? हाँ इधर इधर। क्या मुच्छड़ा अंकल, जल्दी बोल। जरा कुंडी खोल तो। ये बताओ, हाँ? अंदर से तुमने बाहर की कुंडी लगाई कैसे? अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं बाहर आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कमाल है, ये तो जादूगर है। अब बता अंदर से कुंडी कैसे लगाई? पहले अंदर तो जा। ए कश्मीरी, कहाँ था तू? हार लेने गया था? वो सब छोड़िए बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तो बोल ना। अरे रुकिए बॉस, क्या हुआ? छोड़ो मुझे, बताइए तो सही। चुप रहो। क्या हुआ बॉस? बॉस, तुम लोग दोनों एकदम लल्लू। हम लल्लू नहीं है, मैं जेपी हूँ, ये केपी। चुप कर। यहाँ पर क्या हो रहा है तुम लोगों को पता है? मेरे बेटे की केपी की बेटी से शादी हो रही है। नहीं, जिसे तुम अपना बेटा समझते हो तुम्हारा बेटा नहीं है। जो तुम्हारा दामाद बनने जा रहा है जानते हो कौन है? वो तो किशन है। नहीं, पुलिस का खबरी। मेरा बदला अब पूरा होगा। हाँ, मैं पुलिस का खबरी हूँ। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? अरे किशन, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब अकल आई? मैंने पहले ही कहा था ना, लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब तो। आप टाइम वेस्ट करेंगे या मेरी भी बात सुनेंगे? एक मिनट, हम पुलिस के खबरी की बात क्यों सुने? इसने मेरी लाइफ की वाट लगा के कंगाल कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन चुराई और जाकर पुलिस के हवाले कर दी। तूने मेरा प्लान चौपट किया, अब तू देख मैं तुझे चौपाटी भेजूंगा। नहीं प्लीज, इसे कुछ मत कीजिए, इसने सब कुछ मेरे लिए किया है, मैं इसके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो मर जाओ। रुक जाओ बॉस, मेरी बेटी को मत मारो, चाहे तो मुझे मार डालो। करो, क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? तुम्हें मरने का शौक है? अभी पूरा करता हूँ। ये मेरे फ्रेंड के ससुर हैं, मेरे पापा के समान। अगर आपको मारना है तो इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे मारिए,
नहीं, मेरे बीच जो आएगा वो बीच पे जाएगा। रुक जा नंदा, अगर तुझे मारना ही है ना तो मुझे मार दे। हाँ हाँ मुझे मार, गन में सिर्फ 5 बुलेट है, डिसाइड कर लो कौन कौन मरना चाहता है। अंकल अंकल अंकल, अगर ससुर जी को कुछ हुआ तो प्रिया मर जाएगी, अगर प्रिया को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मार दीजिए मुझे। इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट। सुना क्या बक? अरे नहीं 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 बॉस, ये तो मेरा असली बेटा है, आप इसे क्यों मार रहे हो? इसे मत मारिए, मुझे मार। ज्वाला, मेरी ज्वाला को मत जगाओ। अब ये क्या चक्कर है? अरे तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या है? अरे खामोश। आज से ठीक 25 साल पहले ये मेरे घर पर छुपने आए थे और हमसे एक छोटी सी भूल हो गई। इन्हें नहीं मरने दूंगी, मारना ही है तो मुझे गोली मार दो। हम अपने सुहाग को मरने नहीं देंगे। अरे बाप रे, ये तो अपने जमाने का सलमान निकला रे। अरे अरे ये कश्मीरी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ए जेपी, मेरा बिजनेस छोड़कर तुझे क्या लगता है? तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। छोड़ूंगा नहीं, 1 2 3 4 सबको ढोंग डालूंगा। अरे मिस्टर विलन, जरा ठंडा ले, बाद में चकना दे। इन सबको मारेगा? इनमें से किसी ने मेरे को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये सब मेरी माँ है। अरे बेवड़े, तू कहता ये सारी तेरी माए हैं तो चल साबित करके दिखा। देख, मैं ज्वाला पांडे का बेटा हूँ। तुम औरतों की तरह मेरी माँ भी गोवा बागा बीच पर आई थी, जर्मनी से आई थी और इसका उनसे टाका बेड़ा। बालाजी वाइन्स के पीछे टाइल्स वाले मकान में मेरी माँ मैरी डिकोस्टा रहती थी। वहाँ मेरा बाप उसे रोज मिलने आता था। ये जो खड़ा है ना ज्वाला पंडित, ये अपन का बाप है, लगता है ना अपन के जैसा। अब आप सब लोग मुझसे कितना प्यार करती हैं। चले जाओ वरना मेरी बीवी मेरा चलान काट कर ऊपर भेज देगी। चले जाओ, बाद में मिलते हैं ना। अब मुझे लग रहा है मैं तुम में अपनी शक्ल देख रहा हूँ, तुम ही मेरे बेटे हो, तो किशन कौन है? लक्ष्मी के बारे में पता कर, मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ गया ना? देखा डैड, ये सारे पराये होकर भी मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं, इन्हें कुछ मत कीजिए। एक मिनट, ये नई कहानी सुनाकर मुझे टोपी मत पहना। पहले ही तू ड्रामा करके मेरा सब कुछ लूट चुका है, मुझे हवालात भेजेगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा, अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, बोल। नहीं भाई, नहीं, इसे बोलने मत देना। मत दो, सच बताने के लिए एक मौका भी मत दीजिए। नहीं बोलना मुझे कुछ भी। बरसों पुराना जो सच है उसे मैं अपने सीने में दफन कर दूंगा। मेरी कब्र पर अपना साम्राज्य खड़ा करना। Come on, kill me. Okay. आप मुझे मार ही नहीं सकते। पर क्यों? छोड़िए, एक बात बताऊं, मैं इनके हाथों मरने तैयार हूँ। खुशी खुशी मर जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। लाओ बॉस, इसे तो मैं उड़ाता हूँ। डरना, मैं मारूंगा इसे। Come on, kill me. बस आप मेरे सामने खड़े रहिए, आपके आंखों के सामने मरना चाहूंगा, तभी मेरी माँ लक्ष्मी को शांति मिलेगी। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी, कहाँ मिली, तुम कौन, वो कौन, ये मत पूछिए। क्यों नहीं पूछेंगे बॉस? आप पूछे। वो नहीं पूछेंगे, लग गई शर्त। तुम पूछो, मैं जवाब दूंगा। बैंकॉक पता है? हाँ। पटाया पता है? हाँ। हनी मसाज सेंटर पता है, जहाँ लक्ष्मी मसाज देती थी? अरे मुझे वो नहीं सुनना, तुम कौन हो और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? शिवजी ने भी गणेश जी से सवाल किया, क्या मिला जवाब? आप पूछेंगे मुर्गी पहले या अंडा पहले, क्या जवाब दूं? ये रिश्ते उलझे हुए धागों की तरह होते हैं, ना आप सुलझा पाएंगे ना मुझसे कुछ होगा। बाप के पाप पे टाइट होता है। मैं आपका ही बेटा हूं डैड। तुम मेरे अंडे हो? अंडा नहीं बेटा, मेरा मतलब तुम मेरे बेटे हो। हाँ पिताजी। पर तुम तो मेरे बेटे थे ना? आप नहीं हूँ। और वो गोवा की कहानी? वो अपन की कहानी है जेपी, तेरा ही बेटा हूँ मैं। मैंने सबसे झूठ कहा, मैंने ये सब ड्रामा इसलिए रचा क्योंकि मुझे अपने डैड के पास पहुँचना था। मैं यहाँ का सड़क छाप, आप इंटरनेशनल पैसा छाप, अगर आपको फोन करता तो मेरा बिल कौन भरता? इसलिए मैंने जेपी और केपी को बलि का बकरा बनाया है। मैंने सारी मेहनत आप तक पहुँचने के लिए की डैड, पर आपकी नजरों ने मुझे नहीं पहचाना, बेटे को दुल्हा बनते देखे इसलिए यहाँ बुलाया। बॉस इस पर भरोसा मत करना। क्यों? भरोसा करेंगे तो तेरी पोल खुल जाएगी। क्या कहा? मेरी पोल? ए, कौन सी पोल? कहता है बॉस हिटलर की तरह है, इसे बॉस किस गधे ने बनाया, ऐसा कहता है। कहता है आपको गोलियों की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें इसने फेसबुक ट्विटर पे डाल दी है। मैं मर्द नहीं, नहीं बॉस। मैं मर्द नहीं हूँ। नहीं, आप मर्द हो, 6 फीट 2 इंच का सबूत आपके सामने खड़ा है। हाँ। उस दिन मसाज पार्लर में लाइट नहीं थी, लक्ष्मी स्कर्ट में आई, आपका बैलेंस हिल गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, कट्टू 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। दुनिया हंस रही थी, लक्ष्मी रो रही थी कि आपने भरा उसने मेरा लाल दोष था मेरी माँ का। उसने आपके बेटे को पाल पोस के
हद से ज्यादा बड़ा कर दिया। सिर्फ आपसे वजन में कम हूँ, पर दुनिया ने उसे तानों के सिवा कुछ नहीं दिया। उस बेबस नारी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पाला मुझे देकर चाय टोस्ट खारी। आपको पाने की चाह में माँ ने हिम्मत नहीं हारी, प्यार भरी रात और मुलाकात ने माँ को जिंदा रखा। बैंकॉक से उसका मन उठ गया, इसलिए बोट पकड़कर वो बैंकॉक से मुंबई आ गई। क्या? बोट में बैंकॉक से मुंबई? मुझे यकीन नहीं होता, किसी को नहीं होगा, असंभव है। बॉस के पैसों से हवाई जहाज में घूमते हो, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमसे ज्यादा सफर मैंने किया है, तुम कुछ नहीं जानते हो। आप ही बताइए, बाप की चालाकी बेटे में आएगी कि नहीं? जरूर आएगी, इसलिए आप तक तो मैं पहुंच गया और इन सबको पता भी नहीं चला। करेक्ट करेक्ट, मेरे लिए ये सबूत काफी है, ये मानने के लिए कि तुम ही मेरे खून हो। डूब गई नैया। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। समझा समझा के मेरा सर दुखने लगा है। जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता हूँ, आपको ढूंढता हूँ, आप दिखते ही नहीं हो, इसलिए मैंने पीछे मुड़ना ही छोड़ दिया। पापा, आप भी फिल्मों के विलन की तरह क्लाइमेक्स में आकर सॉरी बोल रहे हैं, पर आपके साथ खेलने के लिए बचपन कहाँ से लाऊं? नहीं पापा, अब मैं आपको दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी लक्ष्मी कहाँ है? वो तो ऊपर चली गई। कोई बात नहीं, तुम में ही मैं अपनी लक्ष्मी को ढूंढूंगा। hey, सुनो सब लोग, आज से मेरा बेटा मेरे बिजनेस और मेरी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस होगा। आप ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हैं। बचपन में मैं आपके साथ क्या हो रहा है तरह तरह के खेल खेलना चाहता था, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? पहले तुम सबके साथ तरह तरह के खेल खेल चुके हो। बोलो बेटा बोलो, कौन सा गेम खेलना है? पापा, आप घोड़ा बनिए, मैं पीठ पर बैठकर चल मेरे घोड़े टुक 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 खेलना चाहता हूँ आपके साथ। बचपन में ना आप थे ना आपकी पीठ थी, आपकी शर्ट पर सुसु भी करनी थी, पर तभी ना आप थे ना आपकी शर्ट थी। बेटे तो अब कर दो। चीची, अब थोड़ी ना अच्छा लगेगा। जब गली में बच्चे चोर पुलिस खेलते और चोर चोर कहते हैं तो मुझे आपकी बड़ी याद आती, लेकिन उस वक्त भी आप चोर पुलिस खेलने के लिए नहीं थे। उस वक्त चाहे मैं तुम्हारे पास ना रहा हूं, पर आज तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आज हम खेलेंगे। मैं हूं पुलिस। हाँ, तो मैं चोर। पापा, हम दोनों के साथ ये सब भी खेलेंगे ना? सब लोग छुप जाओ। अभी इस उम्र में चोर पुलिस क्या खेलना, अगर घर घर खेलें तो मैं किसी और के साथ सेटल हो जाऊं। छुपो नहीं तो गोली मार दूंगा। अपना बॉस पागल हो गया है क्या? हाँ, ये 7 साल पागल खाने में रहकर आया है। किधर है मेरा अंडा, किधर है, किधर है अंडे, किधर है तू? आजा 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 अंडे, आजा। भाव 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 भाव, म्याऊ म्याऊ। मेरा पिल्ला किधर है? ये सच में पुलिस कहाँ से आ रही है? मेरे अंडे। सायरन की आवाज बाहर से आ रही है। अहे, मैंने पकड़ लिया, मिल गया अंडा, मिल गया। मैं नहीं, आप पकड़े गए हैं। मैं? वहाँ देखिए, इसने हमको चूना लगा दिया बॉस। पुलिस? हम तो नकली गेम खेल रहे थे ना। पर आप असली में पकड़े गए हैं, आप मेरे पापा नहीं है। मुझे अरेस्ट कराओगे आप अपने बाप को? गोलियां यहाँ है। अरे सुनिए तो सही, पहले लाल घूसे खा लो। डैडी, मैंने सच्चाई का साथ दिया, आप भी वही कीजिए, सरकारी गवाह बन जाइए, आपकी सजा कम हो जाएगी। सुनिए, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर फिर जेल जाएं। जिंदगी में पहली बार आपने कुछ अच्छा करने का सोचा है। शुक्रिया बेबी, तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। चलो, आज इसी बहाने तुम्हारी आंखें तो खुल गई। भाई माफ कर देना मुझे। तू मुझे माफ कर दे। वो क्यों? मैंने तुझे बहुत सताया दोस्त, एक सच्चाई बतानी है तुझे। वो क्या? प्रिया तुझसे बहुत प्यार करती है। पहले तो तुम मुझे कॉमेडियन लगे, पर फिर तुम पे दिल आ गया। वैसे तुम्हारा दिल एकदम बच्चे जैसा है। थैंक यू, आई लव यू अंगूर वाली। भाई अब मैं क्या करूं? भिड़ू,
तेरे और कितने भाई बहन हैं? ये पूरे देश में घूम घूम कर एक लिस्ट तैयार कर। अरे देश में क्यों भाई, हमारा बाप तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, देखो मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है। अरे बाप रे।